अस्सलामुअलैकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपके साथ हनीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं ज़ेबासी, आप भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। बहुत 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 डिफरेंट सी चीज पहनी आज आपने, समथिंग वेरी डिफरेंट। क्योंकि मैंने अपने कपड़े नहीं पहने, एक डिजाइनर है ना, एक डिजाइनर है जिनसे आज आपकी मुलाकात भी कराएंगे, उनके कपड़े जो अच्छा। आज का दिन जो है वो अल्लाह ताला आपका सबके लिए बहुत अच्छा गुजरे। आपने गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी है, बारिश तेज हो रही है इस्लामाबाद रावलपिंडी दोनों में, और आपने जो डिस्टेंस है वो एक डिस्टेंस सॉरी जो डिस्टेंस है वो आपने रखना है पिछली गाड़ी से, उसके टायर आपको अगली गाड़ी के टायर आपको नजर जरूर आने चाहिए। फ्रिक्शन खत्म हो जाती है तकरीबन टायरों में और वो ब्रेक नहीं लगती, तो इसलिए आपने जरूर देखना एटलीस्ट 3 फीट का डिस्टेंस। बहुत शुक्रिया स्टैंड भाई, मुझे उसका डिस्टेंस नहीं पता था, तो 3 फीट का डिस्टेंस आपने रखना जरूरी है ताकि आपको अगली गाड़ी नजर आ सके। आज का मौजू बहुत खूबसूरत अपेरेंस। नहीं अच्छा, इससे पहले सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इससे पहले हम आज के मौजू की तरफ जाएं। कराची में जो है आप लोगों ने दुआ करनी है आज जुमे की नमाज के बाद भी कि हालात बिल्कुल ठीक रहें, क्योंकि एक साइक्लोन है जो सिंध में एंटर हो गया है, जिसकी वजह से आज जो है वो वहाँ पे तमाम तर सरकारी और निजी तालीमी इदारों में और दफातर में भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है कि जी जब तक बारिश हो रही है और जब तक ये सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं आ जाती। आपने आज मेयर कराची का भी मैं बयान सुन रही थी सुबह सुबह, जब वो कह रहे थे कि जी बगैर किसी ज़रूरत के घरों से ना निकलें, तो हमारी एक बहुत बड़ी ऑडियंस का हिस्सा है जो कराची में मौजूद है। आप सबने अपना अपना बहुत ख्याल रखना है और अपने साथ अगर आप सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी, लेकिन उसके बाद अगर आपको मौका मिले तो दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। आज का मौजूद हमने बहुत सारी पेरेंट्स की बातें की है कभी कभी, पर कभी कभी लोग ये कहते हैं कि आप दिखते कुछ और हैं और आप होते कुछ और हैं। जैसे एक बहुत मशहूर कहावत है, बहुत सारे लोग शायद हमारे बारे में भी ये समझते हो कि ये लोग वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग जब हमसे मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म से अलग, तो वो कहते हैं अच्छा आप लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप लोग दिखते हैं। तो मतलब मुझे थोड़ा अजीब फील होता है, लेकिन फिर मुझे समझ आती है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें हम भी टेलीविजन की स्क्रीन पे बड़ा अच्छा देखते हैं, बड़ा पोलाइट देखते हैं, बड़ा हम्बल देखते हैं, जब उनसे हम इन पर्सन मिलते हैं तो वो वैसे नहीं होते, तो शायद इसलिए भी लोगों को ये लगता होगा। अच्छा कहा जाता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत सारी ऐसी किताबें मैंने पढ़ी जिनकी बहुत हाइप थी, जैसे मैं नाम लूंगा थिंक अगैन, जो कि बहुत मशहूर किताब है, बहुत मशहूर किताब है, बेस्ट सेलर है, लेकिन बहुत डिसअपॉइंट हुआ जब मैंने वो पढ़ी। उसमें वही रिपीटेटिव चीज़ें, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही सारा कुछ, वो जो पहले था वही दोबारा, पहले बहुत सारे लोगों ने किया तो वही दोबारा उसमें तहरीर था। अक्सर लोग अपना हुलिया इस तरह बना लेते कि आपको लगता है, जैसे कि मेरे साथ एक बार इस शो पे हुआ, हलीमा के साथ भी हुआ, उनके लिबास को, और हम अक्सर सब यही करते हैं, हमने उनके लिबास को उनकी चीज़ों को देख के हमने लगा बहुत, हमने ये नहीं कहा कि वो किस तरह, हमने कहा बहुत मुश्किल होगा इनसे कंटेंट निकालना, इनसे बात करना, लेकिन बहुत खूबसूरती से उन्होंने सब चीजों को बड़ा निभाया, उन्होंने हमें एक एक चीज सिखाई। और फिर हमने ऑन एयर, हाँ, और फिर हमने उनकी तारीफ ऑन एयर भी की और ऑफ एयर भी की, और हुमायूं ने बात एक्सेप्ट की ऑन एयर भी कि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद आपसे वो बातें ना हो पाएं जो हम सोच कर आए हुए हैं, लेकिन आपने उससे भी ज्यादा बेहतरीन किस्म की, उससे भी ज्यादा अच्छी तरह से बातें जो डिलीवर की है। ये होता है जब आप रिश्ता लेने के लिए जाते हैं तो आप पहली बार देखते हैं, मुलाकात करते हैं, आप कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रख रखा हुआ है। इंटरव्यूज के दौरान आप जब किसी को देखते हैं, आपको एक बहुत बुरी सी खबर सुनाता हूँ। एक बहुत मशहूर कंपनी है पाकिस्तान की, बहुत मशहूर कंपनी, जहाँ पे इंटरव्यू के लिए एक लड़की गई जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थी और टॉपर थी, गोल्ड मेडलिस्ट यानी कि टॉपर ऑफ कोर्स, उसको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप क्योंकि लेजी लगती हैं इसीलिए आपका वजन ज्यादा, तो इसलिए आप हमारे कल्चर में फिट नहीं हो पाएंगी, फिट नहीं कर पाएंगी। अंदाजे हम अक्सर लगा देते हैं, जैसे कि हम अपेरेंस वाइज अगर कोई लड़की, खास तौर पे खवातीन के बारे में, अगर किसी ने, लड़की ने मॉडर्नाइज कपड़े पहने हुए तो हमें लगेगा कि ये बहुत मॉडर्नाइज की है। दूसरी बात जरा गौर से सुनना,
किसी ने अगर हिजाब पहना है, अबाया किया हुआ है, तो हमें लगता है कि वो मोर इंक्लाइंड टुवर्ड रिलीजन है। हालांकि हो सकता है उसने प्रेशर में अबाया पहना हो सकता है घर के वालों के प्रेशर में उसने अबाया पहना और उसकी जो मेंटालिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो। तो अक्सर हम जो जो लबादा हमने ओढ़ा होता है हम उससे अंदाजे लगा लेते हैं शख्सियत के, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने और नेटवर्क को ज्वाइन किया तो कुछ सोचे थी जो पहले से लोगों ने डाल दी थी और कुछ इन लोगों ने मुझे देखकर कुछ रवैये अपना लिए थे, तो बड़ा फर्क पड़ा था उससे। ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आपका बहुत सारे लोग कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट द लास्ट इम्प्रेशन, इस सेइंग को नहीं मानना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट छोड़ता है आपकी सोच पे। कहीं ना कहीं जैसा लिबास आपने पहना होता है, जैसी जिस तरह से अपना आपने अपने आप को कैरी किया हुआ होता है, वो अगले के ऊपर आपका एक इम्प्रेशन छोड़ता है कि यार ये बंदा ऐसा है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। तो वाकई आप सही कह रहे हो कि जब आप यहाँ पर आए थे तो आपका एक ख़ास गेटअप था, एक ख़ास रोल के लिए जो आपने किया हुआ था, और उसी के साथ आप आए। और फिर कुछ लोग थे जिनको वो बहुत पसंद आया तो उन्होंने कहा कि उसको कैरी ऑन करें, लेकिन हमारे मतलब मैं अब तक कहूँगी, मैं किसी और का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, मुझे वो गेटअप नहीं पसंद आया था। और मैंने हुमायूं की एक पिक्चर देखी थी जिसमें हुमायूं का ये गेटअप था जो अब है, तो मैंने हुमायूं को कहा था कि आपको ऐसे होना चाहिए, है ना, तस्वीर थी, मेरी पिक्चर थी, थी आपने जिसको देख के मैंने कहा था कि ये हुमायूं का है, ये मुझसे कब मिलेगा। जुमे का दिन है, हम मिलाते हैं आपको उनसे जो आपकी प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं। बिल्कुल ठीक, कल हमने तो आपको बहुत याद किया ही किया, लेकिन हमारे कॉलेज ने भी आपको याद किया, हालांकि हम बता चुके थे कि आप किसी मसरूफियत की वजह से आउट ऑफ सिटी गई हुई है, लेकिन सब ने बहुत पूछा आपका, तो मैंने कहा ये पैगाम जो है मैं आप तक, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं वापस आ गई हूँ। आपके एक दोस्त की वालिदा का इंतकाल हो गया था, अल्लाह ताला जन्नत और फिरदौस का आला मकाम अता फरमाए। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, ज़ैन आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह ताला, ये बहुत मुश्किल होता है माँ का दुख जो है बर्दाश्त करना, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत अता फरमाए। जिंदगी का दौर है जो चलता रहता है, ये खत्म नहीं होता। हो सकता था कि कोई चला जाए तो जिंदगी खत्म हो जाए, ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आज दौर है तो चलते, आप बताइए क्या बनाएंगी आज, क्या चीज़? आज हम बनाएंगे स्वीट चिली चिकन, और इस तरह से होता है कि इसकी मैरिनेशन होती है चिकन की, और ये बोनलेस चिकन होता है थाई पीस का, इसकी जो हड्डी होती है थाई पीस की उसके हम रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद उसकी ये एक घंटे की जो है इसकी मैरिनेशन है जिसको मैं पहले से जो है तैयार करके रख दूँगी, और इसकी एक सॉस है जो स्वीट चिली होगी, इसके अंदर हॉट सॉस भी जाएगी, हनी भी ऐड होगा, और धड़ा मिर्च जिसे कुटी लाल मिर्च कहते हैं वो भी ऐड होगी, तो ये थोड़ी सी स्पाइसी भी टच देगा और स्वीट का भी टच देगा। पहले मैरिनेट कर चुके हो? मैं मैरिनेट अभी करूंगी, अभी मैं करूंगी, और उसको लेकिन जैनम मैरिनेट तो आपने कहा है कि घंटा उसके लिए लगेगा, तो वो तो जाहिर है आपको पहले ही करना पड़ेगा। सॉस आप ना हमारे सामने बनाऊंगी ताकि हम भी सीख लें। वो ये होता है कि फिर जब हम चिकन बना रहे होते हैं फ्राई पैन में या ग्रिलिंग पैन में, तो उसके ऊपर फिर हम उसको, बट ये मैरिनेशन किससे कर रही हो आप? इसके मसाले मलका के मसाले? हाँ, मसाले पे हम जो है मलका का सॉल्ट यूज करेंगे। अच्छा, ओके, हिमालयन पिंक सॉल्ट वो ऐड करेंगे साथ में, ठीक हो गया। हम अपने मसाले बनाएंगे, वो मैरिनेशन जो है यार, चाय अच्छा नहीं है। चाय जो है वो अभी थोड़ी देर में हमसे पूछ के हमने आज कौन सी पीनी है, वाइटल की चाय जो है वो जैनब आप लोग के सामने आ बनाएगी। आप बताएं आप कावा पीएंगी? वाह जी वाह, आज वाइटल की चाय सामने बनेगी और आप बनाएंगी। हर किसी का चाय बनाने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ होता है, जैसे कि मेरी मरहूम वालिदा, आई हैव नो आइडिया व्हाई डस शी डू दैट, उनको अपनी चाय पानी उबालकर वो वाली बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी उबाल। हम लोग जो अब हम सब हैं, हम दूध उबाल के बनाते हैं, ठीक है, तो हम पानी उसमें बहुत कम बाद में डालते लेटर ऑन, बट या तो डालते ही नहीं है, लेकिन मेरी वालिदा को पानी वाली चाय बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे पानी वाली चाय, हर किसी के चाय का तरीका मुख्तलिफ होता है, कोई अदरक भी डालता है, कोई इलायची भी डालता है, लेकिन दालचीनी भी डालते हैं। एक चीज कांस्टेंट रहती है वो हमारे घर में वाइटल जो है, क्योंकि वाइटल जो है वो कांस्टेंट। अच्छा, वाइटल के बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, इनके बहुत सारी ग्रीन टीज मौजूद है, बहुत सारे फ्लेवर्स मौजूद हैं। तो अब जैनम ने जो है वो आज मुझसे पूछी नहीं, जैनम के आप लोगों ने आज कौन सा पीना है, तो मैंने कहा चले आज आप अपनी मर्जी का बना दें, कल से हम दोनों जो है वो मशवरा करके आपस में और अपने गेस्ट के साथ भी मशवरा करके जैनम को बताएंगे कि आज हम ये वाइटल का पीना चाहते हैं। इनकी जो है ना जैस्मिन ग्रीन टी में बना, क्योंकि आज मैंने सुबह जो नाश्ता है वो थोड़ा सा हैवी कर लिया, तो मैंने कहा थोड़ा सा उसको भी जो है डाइल्यूट कर देना चाहिए। कभी कभी कुछ फ्लेवर्स है जो हमने ट्राई भी नहीं किए, तो आई वुड लाइक टू ट्राई दोस एज वेल, और मैं वो भी साथ में अपनाऊं। जैस्मिन ग्रीन टी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, और मुझे इसमें जो है जैस्मिन नजर भी आ रही है, वो ऐड भी हुए तो मुझे वो ज्यादा फैसिनेट कर रही है। आप बताओ मेरी अम्मा की फेवरेट क्यों है?
कोई अगर अगर तुम माओ को जानती हो तो मैं मान जाऊंगा, तुम लोग बताओ ये बॉक्स की वजह से क्योंकि मुझे भी ये बॉक्स बहुत अच्छा लग रहा है। बॉक्स जो है ना वो उनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये मानी टी जो है इसका बॉक्स बहुत अच्छा लगा और इसका जो है जैस्मिन टी का बहुत अच्छा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप फर्स्ट टाइम, ये शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था, आप फर्स्ट टाइम लेते हैं आपको उसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी लग रही होती है। तो इनकी जो वाकई जो असल वाली पत्ती है जिसको हम चाय बनाते हैं उसका बॉक्स ऐसा है कि वो मैंने लिया ही इसलिए था क्योंकि मुझे वो एयर टाइट और वो बड़ा अच्छा। मैंने आपको बताया था हमें बॉक्स को रिसाइकल करना भी आता है। आज आपके लिए सवाल छोड़े जा रहे हैं, कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आप किसी से पहली बार मुलाकात की हो, आपके उसके बारे में जो रवैया और आपका इरादा और आपकी एक्सपेक्टेशंस थी बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ तब्दील हो गया, क्या ऐसा आपके पास साथ हुआ है, कोई साथ करीबी हो, हमें बताइएगा कॉल करके। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ खूबसूरत मौसम में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले हमायूं ने एक बड़ा अच्छा टॉपिक जो है वो आप लोगों को बताया था कि कुछ लोगों के बारे में हम अपने अंदाजे लगा लेते हैं, राय कायम कर लेते हैं उनसे पहली दफ़ा मिलके और वो फिर बिल्कुल गलत साबित होती है। आपने कॉल करके ये बताना है कि आपने किसी बंदे के बारे में जो राय कायम की वो क्या सही साबित हुई या गलत साबित हुई। गलत दोनों तरह से साबित हो सकती है, हो सकता है कभी किसी इंसान को आप अच्छा ना समझ रहे हों और वो अच्छा साबित हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहली मुलाकात में एक बंदा अपने आपको बड़ा कंपोज रखता है, आपके सामने अपने सारे अच्छे कार्ड शो करता है और फिर जब दोबारा आपकी उससे मुलाकात होती है तो आपको पता लगता है कि वो असल में क्या है। किताबें पढ़ने का बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती है, जिसमें से एक चीज मैंने बहुत खूबसूरत सीखी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तीन तरह के अमीर होते हैं और उनमें से कहते हैं अगर आप दो तरह के भी हैं, कोई भी दो चीजें आपके पास है तो आपकी जिंदगी आसानी से गुजर सकती है। दिल के अमीर एक होता है, दिल के अमीर एक होता है, पैसे के अमीर और एक होता है दिमाग के अमीर। दिमाग के अमीर यानी कि आपने अपने इंटेलेक्ट को बहुत सेहतमंद बनाया है, ठीक है। हम तो अक्सर लोग की अपेरेंस से देखते हैं कि वो सेहतमंद है, मोटा है, पतला है, हम ये नहीं देखते उसकी जहनी सलाहियत और जहनी तंदुरुस्ती कितनी ज्यादा है। सो तीन तरह के अमीर होते हैं, इनमें से अगर आप जहनी अमीर है और पैसों के अमीर है जिंदगी गुड, अगर पैसों के अमीर है और दिल के अमीर है गुड, अगर खाली दिल के अमीर और दिमाग के अमीर है तब भी जिंदगी अच्छी है। तो कोई भी दो अमीरी आपके पास अगर हो जिंदगी, ये आप खुद बता सकती हैं। हाँ बिल्कुल है, आप इंटेलेक्चुअल हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल दुरुस्त, आप बिल्कुल हैं, तीनों हैं, बिल्कुल तीनों हैं। सो आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब ये तो नहीं पता कि वो पैसों की अमीर है कि नहीं, लेकिन दिल की अमीर है ये भी नहीं मालूम, लेकिन दिमाग की अमीर है वो इस तरह क्योंकि उन्होंने फैशन डिज़ाइन को पढ़ा और फैशन डिज़ाइन पढ़ने के बाद उन्होंने अपने इसको आगे परसू भी किया, उन्होंने बहुत खूबसूरत मलबूसात बनाया, उनको लगा कि हाँ मैं फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा नाम कमा सकती हूँ, कैजुअल वेयर भी बनाती हैं, आप उनसे एक्सक्लूसिव कपड़े भी बनवा सकते हैं कस्टम मेड, अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है और आपको कोई अच्छा लगा है, कोई मैगजीन आपने देखा है, कोई ऐसी मॉडल, कोई ऐसा एक्टर, कोई ऐसी सेलिब्रिटी आपने देखी जिनके कपड़े आपको अच्छे लगे और आपने कहा ये चाहिए, तो ये कर देंगी आपको। इनका नाम है निमरा खालिद, आपके ब्रांड का नाम है नक्श। आपका बहुत शुक्रिया, आप एक और सुबह की महफिल में आई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, आप लोग भी बहुत प्यारे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बट यू हैव चोजन अ वेरी गुड ड्रेस फॉर टुडे, वेरी स्प्रिंग ड्रेस। हालांकि वो अक्सर मेरी अम्मा कहती हैं, हलीमा की कल बात करी थी तो कहती थी बादू और सावर में हलीमा ने बड़ा खूबसूरत रंग पहना, मां कहती रंग बहुत खूबसूरत था, तो आपने बड़ा खूबसूरत लिबास पहना। हाँ, जैसे हलीमा हाँ, अच्छी लग रही है, आप भी अच्छी लग रही हैं। नहीं, मैं तो निमरा की वजह से ही अच्छी लग रही हूँ क्योंकि निमरा के ही ब्रांड के कपड़े मैंने पहने हुए हैं, नक्श के, और आप लोग भी जाके इनको इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं और फेसबुक पे भी, वो आगे जाके हम बात करेंगे। निमरा, जो सुबह हमने सवाल किया था अपने ऑडियंस से, वही उसी से शुरुआत करते, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन आपने कायम कर लिया हो और फिर वो बाद में वैसा ना निकला हो? जी बिल्कुल, ऐसा मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ बेसिकली हुआ था। अच्छा। मेरी यूनिवर्सिटी में जो बेस्ट फ्रेंड थी, फर्स्ट हमारी जब मुलाकात हुई थी तब we didn't like each other. Oh my god, this is the same story of every almost best friend. मेरा जो दोस्त था जब हम चौथी जमात में थे, मेरी उससे बहुत बुरी लड़ाई थी, मरी के ट्रिप पे गए थे, बहुत गंदी लड़ाई हुई थी, और वो क्योंकि दूसरे सेक्शन में था, मैंने कहा यू कांट कम टू माई ग्रुप, तो वो इस तरह शुरू हुई। आज तकरीबन मेरा ख्याल है हमें 24 साल हो गए, हम एक साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ऐसी शुरुआत होती है चीज़ों की, बट कभी कभी कस्टमर्स ऐसे आते हैं।
24 साल दोस्ती को 24 साल। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, वो पूछ रहे थे कि और इससे कितने बोले साल। हाँ, 24 साल हो गए दोस्ती को। सो आपसे मैंने जो एक चीज दरियाफ्त करनी, कस्टमर भी जब आता है जी, तो आप देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है ये पैसे खर्च करेगा नहीं करेगा, ये सिर्फ वो आई एम सो सॉरी ये लफ्ज नहीं यूज़ करता वैसे, कुछ होता है कि यार ये सिर्फ देखने के लिए हद तक आया है, ये सिर्फ पूछने के लिए आया है रेट, ये सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए आया है, ये अंदाजे अब निम्रा को होना शुरू हो गए। निम्रा भी बहुत छोटी है अंदाजे लगाने के लिए। बस एक्सपीरियंस के साथ साथ अब मुझे भी ये अंदाजा होना शुरू हो गया। शुरू में मैं हर किसी को बताती थी कि ये इस तरह है उस तरह, लेकिन अब मुझे कस्टमर का पता चल गया कि ये किस तरह मेरे साथ डील करेगा, ये लेगा या नहीं लेगा, मुझे पहले ही अंदाज़ा हो जाता है। और मुझे ये पहले आइडिया नहीं था कि ऐसा हो सकता है। कितना साल आपको काम करते हैं? 1 ईयर, एक साल हो गया तकरीबन। लेकिन निम्रा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी फैशन सेंस का भी आपको पता लग जाता है उनको देखते साथ ही, ये कौन से कलर्स पसंद करते हैं, ये किस तरह के स्टाइलिंग पसंद करते हैं। हर बंदा हर स्टाइलिंग पसंद नहीं करता और उसको लगता है कि शायद मेरे पे सूट भी ना करे हर तरह की स्टाइलिंग, तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाता है, आप अच्छे मशवरे देती हैं कि या फिर कभी कभी कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही होती तो उनको भी बताना पड़ता है कि आपकी बॉडी टाइप के लिहाज से ये चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी है, ये कलर ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ ये डिज़ाइन ज़्यादा सूट करेगा। जी, मेरा असल में मकसद सबसे ज़्यादा ये होता है स्पेशली कि कस्टमर कंफर्टेबल हो और स्टाइलिश लगे, दोनों चीज़ें हों उसमें। और क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी जा रही हैं लड़कियाँ, ज़्यादातर ऑफिसेस जा रही हैं ख़वातीन हमारी, तो यही उनको प्रॉब्लम होती है कि हम कम्फर्टेबल हों, सब लोग होते हैं, और हम अच्छे भी लगें, स्टाइलिश भी लगें। तो मैंने अपने सब ड्रेसेस में ये सबसे ज़्यादा इस पर फोकस रखा है कि कोई ना कोई एलिमेंट डिफरेंट हो, ज़रूर हो। वो आपने देखा, अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एट द सेम टाइम जब ख़वातीन का लिबास पहनती है तो वो कहती है कि थोड़ा ट्रेंडी भी हो, थोड़ा सा फैशनेबल, पर ओवरडू भी ना हो। आपके कैजुअल कपड़े मैंने जिस तरह मैंने नज़र डाली और आप जैसे हलीमा ने पहना हुआ है, दे स्टाइलिश येट वेरी मिनिमल। क्योंकि आप ऑफिस जाते तो आप बनाओ सिंगार करके ऑफिस तो नहीं जा सकते, और कहेंगे आप ये क्या कर आ गए। आप किसी मिलने के लिए भी जाते हैं तो आप ज़्यादा ओवरडू नहीं करते, ओनली फॉर द ओकेजन लाइक शादी ब्याह, उसके लिए हम थोड़ा ज़्यादा ओवरडू कर देते, तो डजंट लुक बैड एज वेल। सवाल आपसे ये है निम्रा, बहुत ज़रूरी होता है कि कोई सहारा हो जो कि आपको आगे तक लेकर जाए, देर इज़ अ लिटिल पुश, एक छोटा सा दबाव आपको ज़रूरी होता है, और दबाव इन अ पॉजिटिव सेंस। कौन था फैमिली में ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया, आपकी इस जर्नी में आपका बहुत साथ दिया, और फिर आगे जाके वो किरदार बदलते गए, तो वो कौन कौन किरदार थे? किरदार तो उन्होंने सबसे पहले मेरे बाबा, एक उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया शुरू से ही, बचपन से ही बहुत ज़्यादा। वो तो बस इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे थे, वो कह रहे थे निम्रा को हर सूरत बस टॉप पे देखना चाहता हूँ मैं, निम्रा को मैं उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। यूनिवर्सिटी के दिनों में हमारी डिग्री भी ऐसी थी कि बस आधी रात को टीचर बोलती थी कि बस ये अगले दिन ये एलिमेंट ये मटेरियल्स चाहिए हमें, और आधी रात को बाबा ने कभी भी उफ़ भी नहीं की, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। जो इस तरह की आपकी जैसी डिग्री है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मंगवाते हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले, बहुत सारा सामान जो है वो ढेरों के हिसाब से मंगवा रहे होते हैं, वो भी उससे भी कुछ लोग तंग हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं। पूरी फैमिली मेरी डिस्टर्ब थी, मुझे नज़र आ रहा था कि कभी कोई मुझे लेकर जा रहा है, कभी कोई आधी रात को टीचर ने बताया। वैसे ये सवाल तो मैं अगला होगा, लेकिन मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि उसके बाद किरदार बदलते गए, कोई और लोग जिंदगी में आए जिन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया? जी बिल्कुल, मामा मेरे साथ तो वो भी आधी आधी रात को बैठ के मेरे साथ कर रही होती, हेल्प कर रही होती थी जो भी मुझे प्रोजेक्ट मिलता था। फिर मेरे भाई और स्पेशली मेरी भाभी, वो अभी मेरे साथ भी आई हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। वो जब से मेरा ब्रांड स्टार्ट हुआ वो बहुत आगे आगे मेरे साथ साथ हैं हर जगह। निम्रा आपने बड़ा गलत किया, आपने ये गलत किया है कि जब आपसे मैंने आपसे सवाल पूछा उन्होंने फ़ौरन कैमरा निकाल दिया, क्योंकि वो तसव्वुर कर रही थी कि नाम मेरा आएगा। आपने वो तब ले लिया जब उन्होंने कैमरा बंद कर दिया, अब तो हो गया, आप यूट्यूब से ले लीजिएगा, देखिए मेरी भाभी का नाम भी ले लिया। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, क्योंकि बड़ा नया नया भी है तो ब्यूटीफुल ही होता है शुरू में, आगे भी अल्लाह करे। लेकिन बदनाम किया हुआ, ये बहुत प्यारा रिश्ता है। मैं आपसे 5 साल बाद पूछूंगा, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे। ये लोग जैसे मेरा और मेरी वालदा का रिश्ता भी लोगों ने बड़ा बदनाम किया, लेकिन वो सो फ्रेंडली, वो जस्ट लाइक फ्रेंड्स, और वो ऐसे ऐसे करके देखिए, हालांकि उनको ये नहीं पता था कि दूसरा सोफा भी आप साथ जाके बैठ जाए, तो वो ऐसे ऐसे करके अब उन्होंने सोफा चेंज किया, तो वो आपको देख रही थी। दैट्स वेरी गुड के सपोर्ट सिस्टम हो। मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि आर यू पेइंग इट ऑफ, जितना लोगों ने जितना मेहनत की आपके साथ,
अब मुझे लगता है इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट। मैंने आपको जैसे कि बताया वो मूवी मैंने देखी, जो मैंने रिसेंटली मूवी देखी, तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो वालिद साहब वही बातें कर रहे होते हैं जो मेरे वालिद साहब अक्सर कर रहे होते हैं। वो कहता है आप मैंने तुझे पढ़ा दिया, सारा कुछ इन्वेस्ट कर दिया, फैसले खुद लोगे। तो वो कभी कभी मुझे बात बहुत बुरी लगती थी कि यार दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल जो पेरेंट्स करते हैं, लेकिन अब मुझे वो चीज़ एहसास होता है कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी जवानी बच्चों के पीछे लगा देते हैं और फैसले लेने के लिए अगर आप खुद मुख्तार हो जाए और कहें मैं खुद लूँगा तो बड़ा दुख लगता है। तो आप पे ऑफ कर रहे हैं? जी मैं कह रही हूँ, मैं जब से मैंने स्टार्ट किया है अर्न करना स्टार्ट किया है, बोलना तो नहीं चाहिए मुँह से खुद, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिल करता है। कुछ नहीं जाता है अच्छा। नहीं जाता नहीं है कुछ, मैं एज इफ देती नहीं हूँ कि ये आपका या आपका ऐसा नहीं है, बट मेरा बहुत दिल करता है कि मैं कुछ नई नई चीज़ें लेकर दूँ, एक्सपेंसिव चीज़ें लेकर दूँ मामा को, बाबा को। गिफ्ट्स ले लें उनके लिए। क्या लिया अभी तक, क्या क्या लिया? बड़ा मजा आएगा सुनते थे। रिंग्स लिए मैंने गोल्ड की। जी ओए होए होए, आप पर बड़ा कमा रही है। अल्लाह ताला और ज्यादा। कोई भाई अडॉप्ट करना है अपने? मुझे कर लें आप, अगर रिंग्स दे रही है इस तरह जा बजा तो मेरा ख्याल में हो जाना चाहिए यार। अच्छा निमरा, बहुत सारे लोग जो हैं पढ़ाई ये करते हैं लेकिन इसको आगे परसू नहीं करते, और फिर यही वजह है कि हमारी जो कम हो जाती है, लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं। मैं क्योंकि खुद बहुत ज़्यादा लोकल ब्रांड्स को पसंद करती हूँ, पहनती हूँ बहुत ज़्यादा लोकल ब्रांड्स, उन्होंने मुझे पीआर दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो मैं ज़रूर पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे कि मैंने फलां के कपड़े पहने हुए हैं, ताकि उनको उनकी मशहूरी हो जाए उस तरह की चीज़ें। बहुत सारे लड़कियाँ ये तालीम हासिल करके आती ही नहीं है फील्ड में, या फिर बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो स्कूल में पढ़ाने लग जाती हैं। क्या डिफरेंस आपको फील होता है कि अगर वो सारी लड़कियां या सारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो उसको प्रैक्टिकल करना शुरू कर दे तो हमारी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चल जाए? आपने इस बात का जवाब देना है, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो निमरा से और सवाल भी करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, कौन सब हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस शो। एक और सुबह एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। निमरा, जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है अगर वो सारे बच्चे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, इतने इतने पैसे देके उनके पेरेंट्स उनको तालीम हासिल करवा रहे हैं, वो अगर इंडस्ट्री में आ जाए तो क्या चेंजेस जो हैं वो आप देखती हैं कि हाँ आएंगे, अच्छे प्रिंट्स आएंगे, अच्छा फैब्रिक आएगा, कुछ न्यू डिज़ाइन आएंगे? क्योंकि अब तो ऐसा हो गया कि इतनी मोनोटनी है कि आपको पता लग जाता है, मैं गेस कर सकती हूँ कि ये इस ब्रांड का कपड़ा है। जी बिल्कुल। अब असल में ये है ना कि ये हमारे जो बेसिक जो ब्रांड्स हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आने दे रहे न्यू जनरेशन को आगे। हालांकि न्यू माइंड्स हैं, वो उनके पास न्यू डिज़ाइंस हैं, उनको पता है कि न्यू डिज़ाइंस क्या चल रहे हैं। लाइक वो वेस्टर्न वेयर ईस्टर्न वेयर दोनों को हम लोगों को दिया जाता था मूड बोर्ड कि हमने यहाँ से पिक करना है एलिमेंट, कोई प्रिंट यहाँ से वहाँ से, तो वो एलिमेंट्स हम जब उनको ज्वाइन करते हैं तो वो कुछ न्यू बन जाता है। वो इसलिए हमें ये चीज़ सिखाई गई थी। तो अब जब इतनी ज़्यादा आपने डिग्री 4 साल की ली है तो उसमें उसको वेस्ट तो नहीं ऑब्वियसली करना चाहिए। आपको एक स्किल है, स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्किल मेरे ख्याल से एजुकेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्किल में आपको ये होता है कि आप उससे कमा सकते हो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। लाइक इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ी करनी पड़ती है, एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब आई सपोर्ट एजुकेशन ऑब्वियसली, बट स्किल ख्वातीन जो है हमारी उनके लिए लाजमी होना चाहिए। टीचिंग का सोचा कभी? टीचिंग पढ़ा भी सकती हूँ? क्योंकि अक्सर लोग साल में शुरू करते हैं, 2 साल के बाद 3 साल के बाद शादी हो जाती है, थक जाते हैं, कहते हैं अब मुश्किल हो गई जिंदगी, अब शुरू नहीं करते। कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, क्योंकि आपकी पेस थोड़ी सी भी स्लो हो गई तो बस काम खराब हो गया। इसमें आपको रहना पड़ता है कंसिस्टेंट। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके जो डिज़ाइन हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, मतलब एक ऐसे हैं जो नॉर्मली भी पहने जा सकते हैं, कुछ हैं जो बड़े
चमकीले भड़कीले शादियों टाइप वाले हैं, जैसा हुमायूं ने शुरू में भी कहा कि अगर किसी को पसंद आ रहा है कोई तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो या नहीं, आप सिर्फ अपने ही डिज़ाइन बनाते हो? नहीं, मैं कस्टमाइज भी, वी आर ऑफरिंग कस्टमाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको चाहिए होता है कि हम कुछ मतलब मेरे ड्रेसेस में थोड़े से बोल्ड एलिमेंट्स भी डले होते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं उनको नहीं चाहिए नहीं होता, नहीं पसंद होता। हाँ। तो ऑब्वियसली दोनों तरह के लोगों के लिए है वो, अगर आप डलवाना चाहते हो वो एलिमेंट तो ठीक है, नहीं तो हम उसको उसके बगैर भी करवा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं। और हमारे पास अब हमने फेस्टिव वेयर भी लॉन्च किया है, फेस्टिव वेयर उसमें फैंसी है, वो भी कस्टमाइजेशन है, कुछ डिज़ाइंस हमने अपलोड किए हुए हैं बट कुछ डिज़ाइंस हम वो एक्सक्लूसिवली कस्टमर्स के लिए भी बना सकते हैं। निम्रा, क्या सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रहा है इस तरह के कपड़े जो हर इंसान अफोर्ड भी कर सकता है, रोज़ाना पहन भी सकता है, रिपीट भी कर सकता है, या फिर लोग ज़्यादातर उन कपड़ों पर इन्वेस्ट करते हैं जो वन टाइम है कि जी भाई की शादी है तो ज़्यादा महंगा सा बनवा लेती हूँ फिर एक आधी दफ़ा दोबारा पहन लूँगी, क्या ज़्यादा चलता है? आप तो ज़ाहिर है इस असल में होता ये है कि लोग करते अनइंटेंशनली करते उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट हैं, मतलब उनका दिल नहीं करता बट ऑब्वियसली एक बड़ा इवेंट है, आपने उनके लिए इट्स अ बिग डे तो वो उस पर ही सारा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो शादियाँ उनसे ज़्यादा इन्वेस्ट ठीक है। हम यहाँ पे कॉलर भी लेते हैं, हमारे साथ आमना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आमना, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हुमायूं हलीमा एंड मेरे बच्चे का नाम मैं आगरा से का नेम निम्रा खालिद, निम्रा खालिद का नाम निम्रा, एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू हुमायूं, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, हाउ आर यू ऑल? आपकी कॉल बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जेटिक है, लिटरली आपसे ही पॉजिटिव एनर्जी एग्जुबरेट करती है, एग्जुबरेट करती है। मैं जो है ना वो आप लोगों की एनर्जी से, आई थिंक आई एम रेजोनेटिंग, जो आप लोगों की एनर्जी होती है, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, दैट्स सो नाइस जी। आज तो यू आर द शाइनिंग स्टार अमंगस्ट बोथ द गर्ल्स, बोथ द लेडीज, बहुत शुक्रिया भाई, आपका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, मैंने आज उसको मैच करना था। कल जिस तरह से हुमायूं को कहा है कि भाई ऐसा पहन के आओ कुछ, तो हुमायूं ने आज वही कह रहा हूँ, मिस आमना जी का स्टैंडर्ड बड़ा ऊंचा है तो मुझे बहुत मुश्किल लगी आज, माने सुबह इस्त्री भी करना पड़ा कि खुल रहा था ये बार बार, ये बहुत मुश्किलों से किया आपके लिए मैंने, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, सलामत रहे, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, थैंक यू। तो अच्छा दूसरा सवाल जो आपने शुरू में किया था कि कभी लाइफ में ऐसा कोई मिला हो कि आपका, तो यस अभी मेरी वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, शी इज अ डॉक्टर, डॉक्टर रुबीना कार्डियोलॉजिस्ट, आज से 4-5 इयर्स बैक आई हैड सम पेन एंड आई वाज एडमिटेड इन द अस्पताल में दाखिल हो गई थी। अच्छा। तो जब मुझे देखने तो उनका ना वो बड़ा एक सीरियस सा लुक होता था चेहरे पे, आते जाते कभी नजर पड़ती थी उनसे ना आपकी गलती नहीं है आमना, ये बहुत अमूमन ऐसे होता है, मैं आपको बताऊं मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे और माशाल्लाह उन्होंने जो किया वो अल्लाह की पना, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे लेकिन अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये तो हमारे हम इंसान हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। Yes, क्योंकि बहुत औकात ना इंसान वो एक्सपीरियंस से देखने में लगता है वो एक खास, जैसे आपने मुझे उस कल कहा उस दिन मैं एक शादी वाले माहौल में था जो प्रोग्राम था तो भाई एनर्जी डिफरेंट थी, बिल्कुल ऐसा ही है, तो हम उससे जो है ना वो जज कर लेते हैं कि अब ये अपने ऑफिस से बैठी हुई है तो बड़ी सख्त सी लग रही है, बट हम जब इंटरेक्ट किया आमना बाप से जानना चाहेगी कोई सवाल है निम्रा के लिए फैशन के हवाले से? जी निम्रा से मुझे ये पूछना था क्या कराची में इनका कोई आउटलेट है या अभी पिंडी इस्लामाबाद में फोकस कर रही हैं? मेरा ख्याल है ऑनलाइन होगा, प्लीज निम्रा जवाब दीजिए। जी कराची में भी हम डिलीवर करवाते हैं, आपको 2-3 days में डिलीवर हो जाएगा, बस आपने बुक करना है। फेसबुक पे है या इंस्टा पे है? इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे है आमना जी, हम ना आपको डिटेल में बता देते हैं कि इनका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है ताकि आप लोग वहां जाके बड़ी आसानी से जो है वो पिक एंड चूज कर सकें। तो फिर मैं बस एक रिक्वेस्ट और करूंगी, मैं काइंडली फेसबुक पे भी बना दें क्योंकि मैं इंस्टा वगैरह मुझे तक ठीक है, ठीक है, बस मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आपने ना कौन सा रंग, पीले पीले रंग के लिबास आपने लेना, फिर आपने बताना आपने लिए,
आप अच्छी लगेंगे। You will look very nice in yellow color, I assume. Inshallah. Take care of yourself. Thank you, जी. Thank you so much for calling. निम्रा, आप बता दो कि आपका Instagram ID क्या है, ताकि अगर कोई आपको order करना चाहे तो आसानी से कर सके, और website भी मौजूद है, क्योंकि website बहुत सारे लोगों की नहीं होती, तो फिर वो WhatsApp पे contact होता है और बहुत सारे लोगों की होती है, और कुछ ऐसा नंबर भी होता है जो कि आपका ऑफिशियल हो, अगर वो भी आप बताना चाहें तो why not? Sure. वेबसाइट अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ, बट इंस्टाग्राम हमारा है naksh.nk इंस्टाग्राम। अच्छा, NK स्टैंड फॉर निम्रा खालिद। नंबर है कोई ऑफिशियल? ऑफिशियल नंबर नहीं है अभी, नहीं अभी, इसी पे आप चल रहे हैं। अब आपको इंस्टा पे आप हर DM का रिप्लाई करते हो, यानी कैसे? तो नहीं, मैं हर रिक्वेस्ट चली जाए जंक में, या आई रिस्पोंड टू एवरीवन और सबको, मतलब जो लोग नहीं भी ले रहे होते उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए होती उनको भी। ठीक है निम्रा, एक जिम्मेदारी आपके शोल्डर पर है, पता नहीं सवाल के बाद आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन मेरे जहन में एज अ मेल आप समझ लें, आप जिस तरह भी कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी है तो मुझे सवाल आ रहा है जहन में। निम्रा, मैं बहुत सारे डिज़ाइनर को देखता हूँ, कैजुअल वेयर भी बनाते हैं, उसमें से एक चीज़ मिसिंग होती है जो कि हमारे कल्चर में बड़ा सबको समझ आ गई होगी, दुपट्टा है। आप दुपट्टे को बड़ा फैशनेबली लेकर रख सकते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे डिज़ाइनर्स क्यों दुपट्टे को ग्रेसफुली अपने अटायर में नहीं इस्तेमाल करते, क्यों नहीं करते? आगे चॉइस अपनी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे क्यों तुले? हम इसको बहुत बेहतर तरीके से ग्रेसफुल रख सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड, मरियम नवाज साहिबा जिस खूबसूरती से दुपट्टा लेती हैं, आप मरियम औरंगजेब साहिबा को देखें कितनी खूबसूरती से लेती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा जो नहीं भी लेते हैं, उनकी अपनी चॉइसेस है, लेकिन अच्छी तरह कैरी किया जा सकता है। आप भी माइनस करते हैं? नहीं, काम बहुत करना पड़ जाता है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दुपट्टा अगर साथ हो तो ज्यादा ग्रेसफुल, ड्रेस में ज्यादा ग्रेस आएगा, लेकिन हम लोगों ने इस तरह किया हुआ है कि हम दुपट्टा साथ होता है लाजमी, लेकिन उनको मैंने चॉइस दी हुई है कि आप टू पीस भी ले सकते हैं, थ्री पीस भी ले सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, तो दोनों की डिफरेंट प्राइसेस हैं। एंड निम्रा, वन मोर क्वेश्चन जो हलीमा से पहले आपसे पूछे, हम बड़े मजे की बात कर रहे थे ऑफ द स्क्रीन, वो थी कि जब स्कूल के एक टाइम होते थे जब गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियां जाती थी, तब की यूनिफॉर्म ऐसे होते, तो एक पट्टी होती थी, वो ऐसे ना ऐसी होती थी पट्टी, अच्छा वो ऐसी पट्टी हुआ करती थी, और वो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म, तो दैट ओल्ड स्टाइल वॉज वेरी नाइस, और वो खाली यूनिफॉर्म तक महदूद नहीं रहा था, फिर जब ईदें होती थी तो अगर आप रेडी वेयर लेते थे तो वो, जब मेरी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पहनते थे बच्चों की उसमें, हाँ, वो तो बच्चे भी पहन कर आते थे। सो आर यू फॉन्ड ऑफ द ओल्ड स्टाइल? क्या आप कन्वेंशनल स्टाइल की भी कैजुअल कपड़े बनाती है कि नहीं, आप मिक्स बनाती है या बिल्कुल मॉडर्नाइज बनाती है, आपका जॉनरा क्या है? नहीं, मैं ट्रेंड के साथ साथ चलती हूँ, जो ट्रेंड चल रहा हो तो उसमें मैं कोई ना कोई वैरायटी डाल दूंगी, कोई ना कोई डिफरेंट एलिमेंट डाल दूंगी, लेकिन क्योंकि मुझे पता है वी शुड बी प्रैक्टिकल, क्योंकि लोग ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कोई पुराना डिज़ाइन, कोई पुराना ट्रेंड है वो आप लगा दो और यू एक्सपेक्ट के लोग वो लेंगे क्योंकि वो डिफरेंट है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकली यही होता है कि लोग जो ट्रेंड दे वॉन्ट के जो सब पहन रहे हम उसी में करें, उसी में कोई और डिजाइन होता है ना कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस जगह तक पहुंचने के लिए जहां आप अपने स्टाइल जो है वो ही बनाओ और लोग उसको लेना भी शुरू कर दें। जैसा बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी हमारी इंडस्ट्री में जो सिर्फ अपना स्टाइल ही बनाते हैं और लोग उसे लेते हैं, लेकिन उनको अब 30 प्लस ईयर्स हो चुके हैं। ज्यादा आंटी जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपको भी मुबारक हो। कैसे है चकवाल का मौसम ज्यादा आंटी? इतना अच्छा है लीमा, आज मैं अपने घर के चारों कोनों में घूम के आपको तो क्या बात है। गर्मी में ना मैं इतने दिनों बाद अपने घर से बाहर निकली, 3-4 दिन से बहुत अच्छा हो रही है, बहुत मजे का मौसम है। अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि अगस्त के महीने में आपको हब्स नहीं मिल रही है और आप बहुत खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, वरना अगस्त बहुत हब्स होती है, बादू और सावन तो आपको पता है कैसा होता है। और आज तो ऐसा हुआ जब सुबह मैंने वुजू किया तो मुझे सर्दी लगी। हाँ, आज तो सर्दी है, आज ठंड है, बिल्कुल आज नहाते भी ठंड नहीं मिली, वरना मैं आपको अपनी जबान में बोल के दिखाती, चकवाल वाली भी दे रहा है, दुरुस्त है। बात नहीं, आप आज बोल ले चकवाल में, तो कहते हैं ना थोड़ा की हाल है, तहडा की हाल है ऐसे, और मुजफ्फराबाद वाले कहते हैं थोड़ा के हाल है, तो मैंने कहा चलो कल मुझे मिली नहीं है तो आज मैं बात कर देती हूँ। ज़ायदा आंटी, आप कल भी बहुत अच्छी लग रही थी, हमाइयाँ भी प्यारे लग रहे थे, यकीनन आज भी आप जुम्मे का लिबास पहना होगा बहुत अच्छे लग रहे होंगे आप लोग। आज आप यूट्यूब पे देखिएगा फिर बताइएगा कैसे लग रहे थे।
हम आपसे किस्त बार तारीफें लेते हैं, फिर आप अगली किस्त हमें बताती है तारीफ कैसी, ठीक करा ले इसको यार, हम नहीं चाहते आप हमें ना देखें डेली। सही बात, कुछ कराए रिपीट में देख लेती हूँ, रात को ड्रामा भी मैंने देख ली है, बहुत मजे का ड्रामा था, बहुत मजे का। शामी की शादी की फर्स्ट एपिसोड और वन ऑफ द हिलेरियस ड्रामास मैंने तेरे से बात देखा, मुझे बहुत मजा आया, इट्स अ वेरी गुड एपिसोड, आप सब देखें, हर रात 9 बजे लगता है जुमेरात के दिन, आपने जरूर जुमेरात को, हाँ 9 बजे आपकी गेस्ट, मेरा सलाम जी जी, ज़ैनब आई हुई हैं, ज़ैनब भी आई हुई हैं, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? सलाम ज़ैनब, क्या हाल है, बहुत मिस कर रही हूँ आपको। हाँ जी, नहीं मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, ज़ायदा आंटी आज मैं स्वीट चिली चिकन बना रही हूँ, सॉरी। अच्छा अच्छा, बहुत मजे का होगा। ज़ायदा आंटी उम्र के लिहाज से मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़ी हो, चाहे छोटी उम्र हो चाहे ज्यादा हो, तो लिबास तब्दील हो जाते हैं, रंग भी तब्दील हो जाते हैं, आप निम्रा से कुछ पूछना चाहेंगी अपने लिहाज से कोई सवाल, आज हमारे साथ फैशन डिजाइनर मौजूद है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अच्छा बेटा, हमाइयों को तो पता है मेरी एज कितनी है, उस लिहाज से मैं लिबास जो है ना, मुझे अच्छे रंग जो होते हैं ना, वो गहरे रंग जिस तरह व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, लाइट कलर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ज्यादा इन कलरों को ज्यादा प्रेफर करती हूं। तो इस उम्र में कौन से कलर पहनने चाहिए? बस आपको अभी बताएंगे, आप कॉल बंद करेंगी और आप डिटेलिंग आपके बारे में बात होगी, मैं बताऊंगा, आप 22-23 साल की हैं, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना, सलामत रहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूँ, कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं एक और सुबह, हुमायूं और हलीमा के साथ, हमारे साथ मौजूद है फैशन डिजाइनर निम्रा खालिद। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले ज़ायदा आंटी की कॉल आई थी, जो पूछना चाह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा हल्के रंग नहीं पसंद, जहाँ तक मुझे समझ आई है उनको थोड़े डार्क कलर्स गहरे रंग पसंद, गहरे रंग पसंद है, तो आपने बताना है कि उनकी एज के हिसाब से कौन से रंग। मैं आपको जो है, सवाल को बड़ा खूबसूरत कर देते हैं हम, ताकि किसी की वो ना हो, आप 30-50 साल की उम्र का बता दे कि क्या डिफाइन की थी, कुछ बता दे, चले 40 से अगर ऊपर हो जाए तो क्या रंगों का इंतखाब आपको पर्सनैलिटी के मुताबिक करना चाहिए, इस सवाल को ऐसे कर लेते, या आपको जो ट्रेंड चल रहा है जो मुनासिब होता है वो। निम्रा क्या सोचती है इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है हर रंग पहनना चाहिए इंसान को। ओके। लेकिन मेरी मामा खुद, वो उनको भी नहीं पसंद, वो भी कहती हैं कि मुझे डार्क कलर्स मुझ पे सूट करते हैं, लाइट कलर्स मेरे लिए मत बनाया करो। इसलिए सो इज माय मॉम सेम तो मेरे ख्याल से, लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ आप पे अच्छा लगेगा ये पहने, क्योंकि पेस्टल कलर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं इस समर के वेदर में, विंटर्स में आप डार्क कलर्स पहने। मुझे नहीं लगता एज के फैक्टर के लिहाज से इंसान को कलर्स चेंज करने चाहिए, आपको हिजाब के मुताबिक पहनना चाहिए कहती हैं। जी जी बिल्कुल। कौन से रंग कभी गलत नहीं होते इन इस एज में, कोई कौन से ऐसे 2-3 रंग जो आप अम्मा कहते हैं कि अम्मा ये शादी में पहने, फुप्पो खाला से प्यारी ना लगी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, वो कौन से ऐसे रंग है जो हर वक्त सही लगते हैं और विच गोज विद एवरीथिंग? वो तो डेफिनेटली ब्लैक है, बहुत पहन लिया हमने, कुछ और रंग बताएं यार, ब्लैक बहुत है। लाइट कलर्स में या डार्क कलर्स? दोनों में बता दें, दोनों में से आपके लिए। नहीं नहीं, आपको लगता है मैं 40 साल से ऊपर हूं? नहीं जोक्स अपार्ट, बट खवातीन के लिए नेवी ब्लू बहुत डिसेंट एलिगेंट लगता है, और प्लेन में लें या प्रिंटेड में? प्लेन में भी, प्रिंटेड में भी, लेकिन प्लेन अच्छा लगता है वैसे, प्लेन अच्छा, प्लेन के ऊपर कोई थोड़ी सी। लेकिन निम्रा आगे आगे आने वाली हैं सर्दियां, बल्कि अब तो जो मौसम हो रहा है वो लग रहा है कि सर्दियां जल्दी ही आ जाएंगी इंशाल्लाह, इसके बाद आएंगी सर्दियां, है कंफर्म है ये? आनी तो है ही कभी ना कभी, लेकिन आगे आगे आने वैसे वाली पूछो कंफर्म है कि आ रही है ना, ये तो आप ही बता सकते हैं। विंटर्स पर्सन समर्स पर्सन? विंटर्स, सेम विंटर्स, आई लव। लेकिन आपने बताना है कि उनमें कौन से कलर्स चल रहे हैं, क्योंकि हर विंटर का एक कलर होता है, जिस तरह कुछ सालों पहले तक लेवेंडर था, फिर लाइलैक हो गया, इस विंटर्स में कौन सा कलर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ये कलर जो है ना बहुत ज्यादा चलेगा? ब्राउन और मरून मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चलेगा। तो आप उसके हिसाब से अपनी सारी वार्डरोब और सारा वो निकालते हो अपनी? जी मैं एक कलर पैलेट बनाती हूँ पहले, फिर मैं फैब्रिक सर्चिंग करती हूँ, और
ये भी एक मैं आपको बताती हूँ कि फैब्रिक सर्चिंग में एक मेरे साथ वाकया हुआ था कि श्रिंक पहले करते हैं, जब आप एक फैब्रिक लेते हैं तो उसको श्रिंक करते हैं ताकि चेक कर लें हम पहले से ही कस्टमर को डिस्पैच करने से पहले कि उसका कोई कलर तो नहीं निकल रहा। तो मैं तो फैक्ट्री से लेती हूँ, उठाती हूँ सारा कपड़ा, तो वहाँ से जब आ गया मैं अच्छा खासा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप उनसे पहले लिए बगैर, मतलब लेने से पहले टेस्टिंग नहीं कर सकते, करनी पड़ती जी, तो उस पर अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप कस्टमर को वो चीज़, ये नहीं होना चाहिए कि कस्टमर साल बाद आपको वो सेटिस्फाइड ना हो और वो आपका कस्टमर ख़राब हो जाएगा। निम्रा, आपको सोचने के लिए वक्त, जी जी कहिए 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 जी जी। तो बस फिर मैंने श्रिंक किया उसको और उसको अच्छा खासा, लाइक वो थे कोई 10 सूट्स थे। अच्छा। और वो उसका कपड़ा का कलर सारा निकल रहा था, तो बस उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। वो मैंने नहीं समझा कि उस पर डिज़ाइनिंग करूँ या कुछ भी करूँ। तो ये बेहतर, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने बहुत देखभाल के हर चीज लेनी है कस्टमर को सेल करने से पहले, पहले खुद कंफर्म कर लेना कि ये बिल्कुल प्रॉपर है कस्टमर के लिए, कि नहीं ये बाद में खराब होकर तुम मेरे पास ना आ जाए कि यार ये क्या कपड़ा दे दिया है। अब आपसे सवाल मैंने करना है पहले, फिर हम सिमाब जी की कॉल लेंगे ताकि आप तफसीलन बता सके। बड़ा आपको हैरानगी होगी कि मर्द आपसे सवाल पूछ रहे हैं, खवातीन जो दुबली होती हैं उनके लिए कौन से रंग आपको लगता है ठीक लगते हैं कि उनको वो पहनने चाहिए, और जिनका वजन थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, ठीक है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, उनको कौन से रंग पहनने चाहिए जो सेफ साइड होते हैं, क्योंकि हर कोई पत्ता लिखना चाहता है, अब ये उनकी अपनी मर्जी है। और कैसे प्रिंट दुबले इंसान को पहनने चाहिए, कैसे इंसान प्रिंट जो है वो एक भारी भरकम औरत को पहनने चाहिए ताकि वो खूबसूरत हर कोई लगना चाहता है। सिमाब जी की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिमाब जी, सुबह खैर। जुमा मुबारक आपको भी, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सब लोग ही बड़े नाइस लग रहे हैं आज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। बस मेरी दो दिन से बात नहीं हो पा रही आपसे, ट्राई तो कर रही थी लेकिन बात नहीं हो पाई थी। अच्छा, मैं आज आपको ये बात बताता हूँ, ज़ाहिदा आंटी भी अक्सर ऐसी बात करती हैं, कुछ बहुत सारे कॉलर से बात करते हैं, आप जब कहते हैं ना कि दो दिन से बात नहीं हुई, मैं आज आपको सच बताता हूँ, हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता, क्योंकि शायद ये बात सच है हलीमा, और मैं आपको सच ये बात बता रहे हैं, हम आपको भूलते नहीं, हमें लगता है हमारी आपसे डेली बात हुई है। सो मुझे आपने जब कहा दो दिन से बात हुई, मेरे कहा नहीं शायद कल बात नहीं हुई थी आपसे, सो वो इतना अटैचमेंट आप लोगों के साथ लगता ही नहीं। मुझे याद था कि कल नहीं हुई। अच्छा, मुझे लगा था कि मेरी कल, लेकिन कल का मुझे याद था कि कल नहीं आई आपकी कॉल। परसों भी बात तो नहीं हो सकी थी, कॉल मेरी काफी देर चलती रही थी, ब्रेक पे चले गए थे आप। अच्छा अच्छा अच्छा। और कल मैंने बहुत ट्राई किया, वो आपके पास बहुत कॉलर्स होते हैं तो फिर आपको याद भूल जाता है कि किसने बात की। माजरत, कल स्किन स्पेशलिस्ट आई नहीं थी तो बहुत ज्यादा बाकी कॉल्स आ रही थी। यस, लोग फिर बहुत, वो थी भी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सॉरी आपकी कॉल कट गई है, मेरी वालदा भी, वालदा ने मुझे कहा, हसनैन भी आपके लिए कहती है, पूछना उससे कि कहाँ से प्यारी प्यारी लड़कियाँ ढूंढ के लाते हैं। मैंने कहा आई डोंट थिंक सो, ढूंढ के लाते हैं, ये इस तरह हो जाता है। तो अब आपने सोच लिया, ब्रेक लेते हैं, आपको और टाइम देते हैं हम ताकि आपने तफसीलन बताना है हमें आपने क्या कहना है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ हैं, आप बता सकते हैं किसी के साथ पहला इंप्रेशन जो आपका पड़ा हो वो बहुत तब्दील हो गई, या आपका कोई पहला इंप्रेशन किसी के साथ पड़ा और उसको लगा हो कि आप बहुत अजीब से इंसान है लेकिन बाद में आपने उसे मोहब्बत के पहाड़ खड़े करके दे दिए। एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं एक और सुबह। जैसे आप हमारा हर रोज़ साथ देते हैं और ये मोहब्बत और शफकत हमारे पर जो है वो उसको बिस्टो करते रहते हैं, इसी तरह हमारा साथ देती है वाइटल टी। वाइटल टी जैसे कि आप सब जानते हैं एक बहुत अच्छी और वो पहली प्रोडक्ट है जो कि पंजाब के छोटे से कस्बे हरुणाबाद से स्टार्ट हुआ, और आप जैसे जानते ये भी हैं कि आपको पहले भी बताया कि बहुत थोड़े से वक्त में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इन्होंने अपना
नाम बनवाया है। और अलीमा वाइटल टी 2005 से अपनी चाय एक्सपोर्ट कर रहा है। वाइटल चाय बहुत सारे फ्लेवर्स में भी मुहैया है। बिल्कुल जी, जिस तरह मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जैस्मीन जो है इनकी ग्रीन टी, ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, तो आज मैंने जैनब से कहा है कि यही हमें बना के दें। हार्ट डिजीज़ से, मेंटल स्ट्रेसेस से ये आपको निजात दिलाती हैं, कैंसर के रिस्क को ख़त्म कर देती हैं, बहुत कम कर देती हैं। आप लोग डेली लाइफ में इसको अपना हिस्सा बनाएं, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इम्प्रूव करती है आपकी ओरल हेल्थ को। ये मैंने कहीं नहीं सुना था, हमारी बात मैंने आपको कल भी कही थी कि ओरल हेल्थ जो है उस पर बहुत कम लोग जो है निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन जी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है जैस्मीन की जो ग्रीन टी है ये वाइटल की, इसकी तरफ से, और बूस्ट करती है ये ब्रेन फंक्शंस को। तो जैनब आपकी तरफ आते हैं, दिमागी सलाहियत भी जो है वो बेहतर होती जी है। बिल्कुल, बना ली है या बना रहे हो? मैंने बनानी है, कि इसका प्रोसीजर मैं बता देती हूँ, जिसके बॉक्स पे लिखा हुआ है। और ये जैस्मीन ग्रीन टी हम आज बनाएंगे, और इसकी इतनी प्यारी मोती की फूलों की खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी। और एक चैनक के लिए मैं एक चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है जी। और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें फ्लावर्स भी मोती के जो है वो ऐड कर दूंगी, ताकि ज़्यादा जो है वो खुशबू आ जाए इसमें। और इसके अंदर फिर हम गर्म पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, चीनी चैनक के अंदर जो है वो पहले से ऐड है, और दम लगा रही हूँ। और अच्छा, दम क्यों लगाते हो ज़ैनब? इसमें लिखा हुआ है कि दम लगा के बने? हाँ जी, इसका प्रोसीजर है इस तरह से जो है ये बनेगी दम की चाय, और उसके बाद जो है इसको हम दो मिनट का दम देंगे। इसमें आप मिंट लीव्स या लेमन जो के जो स्लाइसेस हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं सर्व करती हूँ, आप लोग पिए और फिर बताएं कि कैसे। अच्छा, दम करने से ज़ैनब ये भी होता है कि एक बड़ी अच्छी सी एसेंस आती है, वो पकने की वो एक वो फ्लेवर भी आपको यू कैन फील इन योर टंग नोट्स। जी जी, और वो इसका कलर बड़ा अच्छा जो है वो जबरदस्त। कुछ लोग ना ग्रीन टी बनाते हैं और उसका जो कलर है वो बिल्कुल अजीब कर देते हैं, बहुत डार्क हो जाता है, लेकिन लाइट सा कलर जो है इसका दम आ जाएगा तो बड़ा जो है ना जैस्मिन, और फिर जैस्मिन का जो खुशबू है वो मुझे अभी मैंने खोला है ना उसका डब्बा, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना जबरदस्त लग रहा है। तो ये आप कभी किसी सूदिंग एनवायरनमेंट में बैठे हो ना, कहीं बाहर आप जाते हैं ऐसी ग्रीनरी जगह पे, तो आपको ऐसी एसेंस ही आती है। चलिए जी, दो मिनट के दम के बाद ये ज़ैनब जो है वो हमारे पास ले आएंगे। और ये खाली हम नहीं, हम अपने मेहमानों को भी आज वाइटल टी जो है वो आपको पिलाएंगे, जैस्मिन फ्लेवर आज आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। कमिंग बैक टू यू, आपको इतना एम्पल टाइम हमने दिया, आपसे बताना है कि जो दुबले लोग होते हैं उनके लिए कैसे रंग कैसे प्रिंट, और जो थोड़े से जिनका वजन ज़्यादा होता है उनके लिए कौन से रंग और प्रिंट सूट करते हैं, आप क्या सोचते हैं? जो दुबले लोग होते हैं उनके लिए लाइट कलर्स होते हैं, लाइट कलर्स, पेस्टल कलर्स वगैरह, वो तो वैसे मेरे ख्याल से कि सबको सब कलर्स पहनने चाहिए, लेकिन अगर वो प्रेफर करते हैं कि आप जो दुबले लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम थोड़े से हेल्दी लगें, थोड़े नज़र आए, तो इसलिए प्रेफर करते हैं लाइट कलर्स। और जो हेल्दी लोग होते हैं वो चाहते हैं हम पतले लगें, तो वो डार्क कलर्स की तरफ जाते हैं। और प्रिंट्स भी उसमें हेल्दी लोगों का होता है कि वो बड़े बड़े प्रिंट्स पहने, ताकि वो छुप जाता है उनका मोटापा ना, थोड़ा छुप जाता है। और जो दुबले लोग होते हैं वो छोटे प्रिंट्स प्रेफर करते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग वाकई कहते हैं, हुमायूं ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि कलर्स जो हैं वो आपको बड़ा बहुत मैटर करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लीन दिखाने में, रीज़न क्या है इसकी? ओ थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह सलामत रखे आपको। डू यू वांट मी कि आई विल गिव इट, मैं कर लेती हूं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया ज़ैनब, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, अल्लाह सलामत रखे आपको भी और वाइटल को भी। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अब एक सिप हम लेते हैं, लेट्स हैव अ टेस्ट ऑफ द जैस्मिन ट्री, जैस्मिन टी हमारे पास, दैट्स वेरी नाइस, बड़े मज़े की है वाकई। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको जी, और ज़रूर पिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी ओरल हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं वैसे जो है वो चीनी के बग़ैर पीती हूँ, तो लेकिन इसमें चीनी डली हुई है और वो भी अच्छी लग रही है, तो आप लोगों ने अगर चीनी के बगैर, इससे आपको फ़ायदा होगा, मुझे शायद मुझे भी क्यों मेरी हार्ट आपकी आपकी दिमागी सलाहियत और बेहतरीन हो जाएगी, और अच्छे सवाल पूछेगी, सो रिफ्रेशिंग कि आपकी आंखें भी खुल जाती हैं। इट्स वेरी नाइस, यू शुड ट्राई जैस्मिन टी ऑफ वाइटल टी। और अब आपकी तरफ आते हैं, उससे पहले हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी सी कॉलर, उन्हें इंतजार बिल्कुल नहीं कराएंगे। तलत आंटी हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, क्या हाल चाल आपके? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और जुमा मुबारक। जुमा मुबारक आपको भी। हां भाई, क्या हाल है लिटिल कामेश्वर? बिल्कुल ठीक है हम, आप कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो मैं आपका, आप दोनों का, बच्चों का इस बात पे शुक्रिया अदा करूंगी कि आज आपने कराची के हवाले से दुआ की अपील की आपने। जी 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 जी, जी, जी। अल्लाह ताला अल्लाह मियां हमारे मुल्क के हर जगह को अपने आमीन सो मामी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज, यकीन करो आज मैं बिल्कुल कॉल के मूड में नहीं थी मैं क्योंकि मेरे काम जरा बड़े हुए थे, जो नहीं जरा काम होता है ना। जी जी जी। लेकिन वो जब आप में मैंने आपका वो सुना ना, इंट्रो सुना ना, तो उसने मुझे जो है ना बड़ा मेरा दिल गुदास कर दिया। मैंने कहा ये आप लोग खुश रहे, लेकिन ये चीजें बड़ी काउंट करती है आप, यानी ये चीजें खुद ब खुद आदमी को मुतवज्जे कर देती है और उसमें आप में मकनातीसियत पैदा हो जाती है। सही कह रही है। मैंने आपको दानिश्वर ऐसी तो नहीं कहा ना। मुझे ये नहीं समझ आ रही इसकी दर्जा बंदी होगी कि नहीं होगी, या इससे नीचे गिरा भी दिया जाएगा कभी कभी जब अच्छा नहीं होगा। मैं चारों से प्रमोशन ही हो, डिमोशन ना हो। इंशाल्लाह ये तो वक्त और हालात पे ना, अभी नहीं इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। जाहिर है कि हमेशा क्लास वन में थोड़ी रहेंगे। तलत आंटी, निम्रा से कोई सवाल पूछेंगी? आप भी लिबास की शौकीन है, अपनी रिश्तेदारों के लिए आप कपड़े लेती हैं, आप बताती हैं, तो आप इंतखाब करने के लिए कोई मशवरा लेना चाहेंगी? निम्रा ने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी भी है। देखो बेटा, बात ये है कि मेरा जो सिलेक्शन जो होता है ना, वो मेरे लिए जो ऐसा होता है जैसे मैं बहुत ही कमजोर हूँ, बहुत ही कुछ हूँ, लेकिन कभी कभी जो है हो जाता है, लेकिन मेरा ज्यादातर रुझान जो है ना, मेरा जो झुकाव है वो अपनी बहन की तरफ है, भाई की, भाभी की तरफ। अच्छा। और दूसरी बात ये कि मैं ब्रांड नेम पे इतना नहीं जाती। हाँ, मैं जो मुझे, मैं कोई छोटी सी छोटी भी दुकान होगी ना, भा जाए बस। मैं कहती हूँ ब्रांड नेम जो है इन सबको तो मिल ही रहा है, ये दुकानें जो ब्रांड नेम की वजह से जो बेचारे जवाल की तरफ सफर कर रही है, बिल्कुल, तो हमें उनको जो है वो करना चाहिए। और आप यकीन करो, मैं कह के वो जो है वहाँ पे वो करती हूँ और मुझे वो फिर इतनी दुआएं देते हैं। खूबसूरत खूबसूरत, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक ब्रांड नेम का ताल्लुक है ना, वो फिर वो मेरी और मेरी बहन के लिए। बहुत शुक्रिया बताने के लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए, आंटी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एसएन जी कराची से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जुमा मुबारक। जुमा मुबारक आप सबको और हमारे भाई का। मैंने इंटर तो नहीं देखा, लेकिन मैं भी वही कहूंगा कि परवरदिगार आलम खुदाए बुजुर्ग बेहतर हमारे मुल्क में और गांव बस्ती शहर रहम फरमा, जो बारिश आमीन ये खैर की आखिर की बारिश। खबरें सुनने में आ रही हैं, बाद जगह छत गिर गई, बसों में वो हो गया, बेचारे नुकसान तो हुए लोगों के। हम जी, जी, जी। जो कैजुअलिटीज हुई है दिल्ली, ताजियत करते हैं बीमारों के लिए, परेशान वालों के लिए दुआ हुए कि अल्लाह ताला सबके हालात खैर के बना दे और ये बारिशें रहम की हों, करम की हों। जी, और हमारे भाई ने जो कहा था इंप्रेशन था, मैं एक अहम बात शेयर करूंगा कि देखें, अगर आप किसी मिलने तैयार हो कि किसी खास तकरीब में, इवेंट में, या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो एनवीएसपी या कोई खास तकरीब है, तो उसमें तो आप बहुत तैयारी होती है जाहिरी भी और इल्मी तौर पे भी, तो वो आपका इंप्रेशन होता ही अच्छा है। लेकिन जब किसी शख्सियत से खास तौर पे अहम शख्सियत हो, कोई अहदे का मंसब वाला, उससे जब आप लॉन्ग टर्म में मुलाकातें रखती है, तो उसके लिए तो होती मुलाकातों में आपका पता चल जाता है। अगर आपने उसको मेंटेन कर लिया और जाहिरी हालत के अलावा आपकी गुफ्तगू से वो मुतासिर हो, अंदाजे कुछ मुलाकातों से भी हो जाया करते हैं। एहसन भाई बिल्कुल आपने ठीक कहा, अंदाजे कुछ मुलाकातों से भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारे सालों के बाद भी आपको इंसान की शख्सियत बहुत बाद में पता चलती है कि उसकी शख्सियत बहुत मुख्तलिफ थी जो आपने सोचा है। बस एक बात मैं बता दूं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, और वो लेकिन उसमें आदमी को शौक पैदा हो जाता है, जब उसको एक रिस्पेक्ट मिलती है ना, फिर वो मुताला भी करता है, चीजें भी करता है और अपने आप को ग्रूम भी करता है, वो ट्रैक पे आ जाता है। कुछ जाती तजर्बा भी है हमारा। अच्छा, मैं लिबास के वाले से बात करता हूँ मैडम बैठी है कि देखें, कुछ लिबास ऐसे होते हैं तो जो हमारे में आया है, ये मैं तस्दीक करेंगी कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी आपकी होती है, उसको क्या कहते हैं आपका, वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको पहन के, उस कलर को पहन के, उस कलर के शूज या वैसी घड़ी या वैसी खुशबू या वैसे शूज पहन के आपको एक तरह की एनर्जी महसूस होती है और ऐसा साबित होता है, आपके काम भी हो जाते हैं, लोग आपको अच्छी तरह मिलते हैं। एक तो ये बात है, लेकिन बारह ये कि बाज़ लोगों के मुख्तलिफ रंग होते हैं, लेकिन ये कि सफेद रंग जो है उसके अंदर कहते हैं सारे रंग हैं और उसकी एनर्जी ज्यादा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मुझे अंदाजा हो गया आपके सवाल का। अटायर टू नॉट इम्प्रेस बट अटायर टू सेट द एनवायरनमेंट एज वेल, बहुत खूबसूरत सवाल है निम्रा। बहुत शुक्रिया एहसन भाई, अल्लाह सलामत रखे आपको।
ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन उससे पहले हम अगर वसीम की कॉल ले लो, फिर आपसे इसी सवाल को हम थोड़ा सा रिमोल्ड करके आपसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग हमयूं भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। लीमा बहन आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र। हमयूं भाई एक चीज मैंने गौर की है कि इंसान का जो माइंड होता है ना, मौजूदा हालात के बिल्कुल अपोजिट होता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा मैरिज है, वो सोचता है कि अनमैरिज खुशकिस्मत है। इसी तरह जो अनमैरिज होता है, वो सोचता है कि मैरिज खुशकिस्मत है। नहीं नहीं, हम इस मामले में बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं मैरिड हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैरिड खुशकिस्मत है, और ये अनमैरिड है और ये सोचते हैं अनमैरिड। वसीम भाई आप बुरा तो नहीं मनाएंगे, थोड़ी सी सलाह कर दूं चीज की? जी, अनमैरिड, अनमैरिड या मैरिड, ठीक है? गुड यार, वेरी गुड। बट मुझे सिर्फ ये बताएं कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हाल में भी खुश होते हैं। जी जी, जैसे मैं हूँ, मैं अपने हाल में खुश हूँ, सिंगल हूँ, खुश हूँ। इसी तरह अगर जॉब के मामले में भी ना, बिजनेस का जॉब मैन बंदा हो, जॉब होल्डर बंदा, वो सोचता है कि बिजनेस मैन। हाँ वैसे ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। बिजनेस मैन होते हैं वो कहते हैं कि जॉब वाला बंदा चाहिए। आप शादीशुदा हैं? मैं अनमैरिड। तो आप अनमैरिड खुश हैं या आपने शादी करनी है? नहीं नहीं, मैं तो लोगों को देखकर नसीहत हासिल कर लेता हूँ। कोई लिबास के हवाले से सवाल पूछना चाहेंगे? जाहिरी बात है अम्मी भी होंगी, बहन भी होगी जिनके लिए कपड़े खरीदते होंगे। नहीं नहीं, लिबास जो सादा लिबास सही होता है, बाकी इसमें इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, इतना महंगा होता होगा ना, इसलिए। ख्याल रखे, सलामत रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो निमरा के साथ हम उनके कपड़े जो है वो आपको दिखाएंगे, और एसएन भाई का सवाल भी पूछेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना एक बार। वेलकम बैक टू द शो। एक और स्पॉन्सर के बारे में आप लोगों को जी बताते हैं। आज हमारे पास मौजूद है लाइबा वालों का अर्जेंट फेशियल। लाइबा अर्जेंट फेशियल एक मुकम्मल फेशियल है, ये मुकम्मल तरह से आपकी स्किन को जो है वो साफ करता है, क्लिनजिंग करता है। लाइबा अर्जेंट फेशियल पैक में कीमती कुदरती जड़ी बूटियों के अज्जा शामिल होते हैं। और हुमायूं आप यूज़ करना चाहेंगे? लड़कियां तो यूज़ करती हैं, लेकिन लड़कों को भी करनी चाहिए। सलीमा, और ये अज्जा जो है, ये आपकी जो स्किन है उसको ज़्यादा अरसे के लिए तरोताज़ा, तंदुरुस्त और नरम व मुलायम, सफ़ेद और ख़ूबसूरत भी बनाता है। लाइबा अर्जेंट फेशियल आप यूज़ कीजिए और आपकी स्किन जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लाइबा अर्जेंट फेशियल आप देख सकते हैं, इसका ये पैक आप देख लें ताकि आइडेंटिफाई कर सके, जब भी आप ये खरीदें तो आपने इस पैक को ज़रूर जो है वो जहन में रखना है, लाइबा अर्जेंट फेशियल। अच्छा जी, हम एहसन भाई के सवाल की तरफ चलते हैं। उन्होंने सवाल जो है वो पूछा था कि सफ़ेद जो रंग है वो बड़ा लोगों को सूट करता है, उनकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करता है। बहुत सारे लोग बाकी रंगों को छोड़कर सफ़ेद रंग का इंतखाब करते हैं अगर किसी बड़े इवेंट पे जाना हो या कहीं। बट ऑल्सो फुल फ्लेज क्वेश्चन वॉज कि अगर आप जब भी कहीं सेट टू अटायर, कोई इन्वायरमेंट होता है जिस तरह आप जा रहे हैं, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप वॉच पहन के जाए, आपका सूट हो, आप गांव जा रहे हैं, आप कमीज सलवार पहन के जाएं, तो आपके लिबास उस हिसाब से होते हैं। आपके पास जब डिज़ाइनर के पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है जी भाई की शादी है, मुख्तलिफ लिबास होगा, फुप्पो की बेटी की शादी है, थोड़ा डाउन करना है आपने, फ्रेंड की शादी है, डाउन करना है, आप इस बात पे बिलीव करती है? नहीं, आप फिर भी कहती नहीं, पर्सनालिटी है, अगर आपने ओवरडू भी करना है आप करिए। तो क्या सेट टू एनवायरनमेंट होना चाहिए लिबास? जी, एनवायरनमेंट के हिसाब से तो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल डिफरेंट भी नहीं लगना चाहते, आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट के अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा सटल लगना चाहिए। और कलर्स का एक बहुत मेजर रोल होता है इसमें, क्योंकि आई कैच करती है सबसे जो डार्केस्ट कलर है इस रूम में, आपकी आई ऑटोमेटिकली उसको कैच कर रही है। तो इसलिए कपड़ों का भी यही होता है कि अगर कोई बंदा हेल्दी है तो उसको अगर वो लाइट कलर पहनेगा तो फौरन उसकी तरफ नहीं जाएगी, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं लगेगा, और अगर डार्क कलर है तो फिर वो अच्छा लगेगा। निम्रा, ये लिबास जो आपने पहना है ये भी आपने खुद बनाया? ये मेरा अपना है, नक्श का है। गुड, अब हम आपके कपड़े जो है हम साथ साथ दिखाते हैं। अलीमा, वी शुड शो, डू यू वांट मी टू गो एंड चेक? हां हां, आप देखें कपड़े, मैं आप अगर आना चाहती हैं तो आप आ सकती हैं मेरे साथ। आयशा जी की, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलीमा कैसी हैं? अलीमा आप भी आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठंड लग रही है। काश है थोड़ी सी। हाँ थोड़ी थोड़ी है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरी बहना के? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक, आपको भी सलामत रहिए। आमीन। और निमरा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक चीज डिसाइड, सॉरी आयशा एक सेकंड दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। हलीमा आप इस तरफ आ जाएं, निमरा आप इस तरफ आ जाएं, मैं कपड़े पकड़ाता हूं ताकि आप दिखाती रहे। ठीक है, आप आगे आ जाएं सोफे के सामने, आप उस सोफे के सामने आ जाएं। आई विल कीप यू द क्लोथ्स हैंडेड और फिर आप साथ साथ दिखाएं पहला लिबास। मैडम आप दिखाइए। जी आयशा जी आप कहिएगा। वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक, आप बताएं? मैं भी ठीक हूँ। अमायू भाई आपने अभी बात की थी दुपट्टे की ना, तो मैं बड़ी कॉन्शियस हूँ जरा दुपट्टे के मामले। मैं कहती हूँ कि दुपट्टे को फैशन ना बनाए, दुपट्टा लें। हाँ। पाकिस्तानी लेडीज को दुपट्टा लेना चाहिए, जिस तरह भी ले लें, लेकिन ले जरूरी। ये निमरा जी आप बताएं, मुझे लेना चाहिए ना? अच्छा लगता है मुझे तो, बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा लगता है, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना अच्छा चाहिए। दुपट्टा उतार के फेंक देना घर में तो ठीक है, लेकिन बाहर जाए तो जरूर। That's my mother too। बहुत शुक्रिया आयशा जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपसे बात करके हमेशा एक बड़ा खुशी का समा होता है दिल में। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सलामत। अच्छा ये जो है ये समर प्रिंट है, इसको देख के भी ऐसे लग रहा है। आपकी कलेक्शन भी समर कलेक्शन है। लेकिन ये तो जो मैंने पहना हुआ थोड़ा लीला है ना, ये जो आपने पहना हुआ और वो ब्लैक रेड, वो हमारा विंटर कलेक्शन था। वो दोनों में चल जाता है, अभी भी चल जाएगा क्योंकि अभी थोड़ी सी हल्की सी चेंज हो रहा है। हाँ तो उसमें भी चल जाएगा। कुनकी सी आ गई। अच्छा अगर आपसे पूछ लूं, अगर अंदाजन किस ब्रैकेट में होगी इसकी कीमत? इसकी है 4500। मैंने अपनी सब जितने भी ड्रेसेस हैं 4000 से स्टार्ट होते हैं और 7000। तो निमला दर्जी के जो झंझट है, मिनिमल है ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ले सके उस ब्रैकेट में, है ना निमला? जो दर्जी के झंझट है उससे आप बच जाएंगे। जो अपना डिजाइन पता है वो भी कर सकती हैं, वो भी कर सकते हैं जी। अच्छा अगर कोई अपना प्रिंट बताए कि यार मेरे पास ये कपड़े मौजूद है निमरा, ये मैंने कपड़ा खरीदा था, ये पड़ा हुआ है और मुझे इस पे डिजाइनिंग कर दो, तो वो भी हो सकता है? वो भी हो सकता है, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा अपना सिया हुआ है ना, ये जो आपने पहना हुआ है इसका नेकलाइन बड़ी अच्छी बनी हुई है। तो अगर कोई कहे कि मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ है और इसकी भी ऐसी नेकलाइन बनवा दो, जानो डिजाइनिंग के अलग चार्जेस होंगे। ये मुझे अच्छा लगा सबसे ज्यादा, वन ऑफ माय फेवरेट, वन ऑफ ज़ैनब्स फेवरेट कलर। अच्छा इसके नीचे मैंने ओल्ड रिपीट किया, जो पटियाला शलवार होती है ना। अच्छा, वो पुराना वाला फैशन था, पुराने वाला फैशन था, बड़ा हिट हुआ था यार। मैं तो कहता हूँ जिस गली से आप गुजरो वहाँ से एक पटियाला शलवार। अच्छा लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नहीं पसंद था वो फैशन। आपने पहना था? मैंने नहीं, मैंने पहना ही नहीं, नहीं मुझे नहीं, नहीं, नहीं मुझे नहीं पसंद। अच्छा कुछ लोगों पे कुछ लोग हर किसी की पसंद होती है। मेरे पास एक कस्टमर आई थी like वो काफी लाइक मतलब उन्होंने मुझे अपना साइज दिया, तो वो हेल्दी थी, वो कह रही थी मैं हेल्दी हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे डिजाइन बताया, मेरा डिजाइन देखा और उन्होंने कहा कि यहाँ पे गैदर्स हैं शोल्डर्स पे, तो गैदर्स हो तो और ब्रॉड लगते हैं शोल्डर्स। तो मैंने उन्हें सजेस्ट कर दिया, मेरा तो काम है कि आपको अच्छा अच्छे से अच्छा लगना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि आप गैदर्स इधर रख लें, लाइक ऊपर ना रखें क्योंकि आपके ऊपर वो सूट करेगा और चौड़े लगेंगे। बट जी एग्जैक्टली तो बस, लेकिन उनको शौक था, उन्होंने कहा नहीं मुझे यही वाला डिजाइन चाहिए। तो मकसद ये है कि हर किसी को वो ये नहीं देखते कि वो चाहते हैं कि हम भी ये डिजाइन पहने, लाइक वो ये नहीं देखते कि ये अच्छा लगेगा या नहीं। मैडम दो और आपको, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा वो दिखाएंगे फॉर्मल की तरफ, फॉर्मल की तरफ। ठीक है, ये सेमी कैजुअल होते हैं, ये जो अभी दिखा रहे हैं ये कैजुअल है। ये तो मैंने पहना हुआ है, इसे भी तन मैंने किया हुआ है। ओ ये तो तुम्हारे वाला है। देयर टू यस, एक ज़रब तुम पहन लेती तुम दोनों बहनें लगती। हां हो सकता था, वैसे कितना फिट लगता ना कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई हम दो बहनें। दो बहनें वो पुराने जमाने में वो बरी नहीं ऐसे दिखाते थे बिल्कुल। हाँ वैसे बाकी पुराने जमाने में वो कह रही है बरी ऐसे दिखाते थे जैसे आप लोग मेरे कपड़े दिखाते। हम ऐसे ही दिखाते बरी, देख तो फिर देखते। आप पुराने जमाने में थी जो बरी वाले जमाने में? नहीं ये आपने आप लोगों को मेंटेन किया हुआ इतना अच्छा, वरना पुरानी है। नहीं वो मामा बाबा की शादी की वीडियोस वगैरह, वीडियोस में ये होता था। हाँ। वैसे मेरे माँ अच्छा वो ऐसे नहीं दिखाते थे। आपकी वो मैं आपको बता देता हूँ, नाना मैं आपको बताता हूँ, हमारे क्योंकि गांव में अभी भी होते, कहते हैं ए फरजाना बाजी जितना सूट ए ला ए ले लेना। फरजाना बाजी हाथ खड़ा करो। हाँ हाँ
फरजाना बाजी दिता ये वाला सूट, तो माशाल्लाह बहुत सारा, बहुत शुक्रिया फरजाना बाजी, फरजाना बाजी इज़ द खाला। अच्छा ठीक है ओके, तो ये सूट आपने सेफ जोन के लिए फरजाना बाजी पिक कर लिया है, नहीं उनका नाम फरजाना, खाला का नाम कुछ और। अच्छा ये जो है फेस्टिव वेयर, ये गरारा है? नहीं ये पूरी एक मैक्सी है। अच्छा। like फिटेड बॉडी कॉन में आता है, बॉडी कॉन के ऊपर ये मर्मिड टाइप्स लग रहा है मुझे। जी वो मर्मिड है ना, ये मर्मिड स्टाइल में है जी। चेक करो भाई आप, मुझे भी कुछ पॉइंट्स दो, मुझे पता है। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। अच्छा इसकी क्या, क्योंकि पहले तो हमने उनकी कैजुअल वेयर की तो प्राइस बताई है, इनकी फॉर्मल की भी थोड़ी सी ब्रैकेट बता दें। कुछ डिजाइन पे डिपेंड करता है, अगर कुछ हटवाना चाहते हैं तो कीमत कम हो जाएगी, लेकिन ये 30-40,000 तक, कोई इतना महंगा नहीं है। अच्छा बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि प्लेन बैक जो है वो बना दें ताकि थोड़ा सा कम हो जाए, कम हो जाएगी। अच्छा मैं आपसे पूछूं इसी लिबास के बारे में, आप पत्नी आपके लिए यही लिबास के आपने इसे ग्रे में बनाया, व्हिच इज अ वेरी डिफरेंट टोन, यूजुअली लोग बहुत डार्क कलर्स में बनाते हैं। व्हाट वाज द रीजन आपने ग्रे बनाया, कस्टमर की डिमांड थी या आपको लग रही है इसमें अच्छा लगेगा? मुझे भी लग रहा था ये इसमें अच्छा लगेगा, और इवेंट भी डे का था तो उस लिहाज से डे में लाइट कलर्स, कस्टमर ने डे में लाइट, हां डे में लाइट कलर्स, ओके रात को डार्क कलर्स। ठीक है तो बहुत लंबा है अगला लिबास जी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, दिस इज आल्सो अ बिट हेवी, वेरी नाइस, जी अम्मी की तरफ से है और इसकी अम्मी ने दिए। इसका आप लोग देख सकते हैं कि फ्लेयर भी काफी ज्यादा है इस फ्रॉक का, और वाइट कलर में, लेकिन ना मुझे लग रहा है आपको ज़्यादातर लाइट कलर्स पसंद है, बिकॉज आपने जितने भी फॉर्मल बनाए हुए हैं वो सब ही तकरीबन लाइट कलर्स में है, और अभी फैशन भी लाइट कलर्स का ही है। नहीं नहीं वो उसका दूसरा वाला। अच्छा निम्रा ये वन पीस है या इसके साथ दुपट्टा? इसके पास इसके साथ दुपट्टा भी है, जो कलर और ये काम क्या हुआ, व्हाट इज दिस काम कॉल्ड, ये कट दाना, इसको कट दाना कहते हैं, कट दाना। और ये एक्सपेंसिव होता है या ठीक है, अफोर्डेबल है, इतना ज्यादा भी नहीं, और नेट के ऊपर ये काम हुआ है, दबके का काम होता है वो थोड़ा ज्यादा। अगर फ्रंट शर्ट पे करवाए सिर्फ एक ही, खावतीन जानना चाहती हूँ कितने तक का हो जाना चाहिए फ्रंट पे, जितना ही फ्रंट वाला फ्रंट पे सिर्फ करवाएंगे तो 20,000, अगर दोनों पे कराएंगे तो 40,000 तक, 40,000। ये आप अगर खुद भी जाते वेंडर के पास तो यही रेट मिलता है, यही रेट मिलता है जी। और कितने दिनों में हो जाता है ये? लेकिन मैंने ये देख रखा हुआ है की मैंने मार्केट से एक स्टेप पीछे रहना है, ताकि लोग देखते हैं कि अफोर्डेबल हो, मार्केट में जाएं तो आपको यही कहते हैं कि मार्केट में भी अगर सेम प्राइस है तो फिर मार्केट ही हम चले जाएं, तो दैट्स वेरी नाइस। इससे गला किस तरफ बैठी ये फ्रंट क्यूट, ये इसका गला है, ये देखें आप, थाली में बेचारी थक गई हैं तो अब उनको हम रेस्ट देते हैं थोड़ा सा। ये लहंगा है, ये काम क्या हुआ है? ये भी कट दाना है सारा, है, ये चोली के नेट के ऊपर बना हुआ है, काम कितने का बन जाएगा? तो बहुत थोड़ा है, सिर्फ इतना 10,000 तक, 10,000 तक कोई मुनासिब, मेरे नहीं ख्याल में शादी कर सकता हूँ इस महंगाई में। जो चल नीचे कुछ भी नहीं हुआ हुआ यार, ये बड़ा फिटी, कौन सा कपड़ा नीचे डाई है ये सारा? नहीं ये कपड़ा क्या है? ये कपड़ा एक होता है शिमर टाइप, हाँ हाँ जी शिमर, मून लाइट कहते हैं उसको, मून लाइट। ओ ये तो मैंने सुना है, बहुत पुराना नहीं मून लाइट? बहुत पुराना है, बहुत पुराने से चला आ रहा है, स्टिल इट्स स्टिल रेलेवेंट। बहुत सारे कपड़े होते हैं जो कुछ ऐसे आते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ का दोबारा दोबारा फैशन में आते हैं, जैसे वेलवेट है, हम अपनी अम्मियों के जमाने में देखते थे, हम कहते थे यू शू ये वो, और अब दोबारा आ गया उसका जी। यार दिस इज वेरी नाइस, ये तो किसी सांप के लिए ये टेल फ्रॉक है, इसका शूट भी आप देख सकते हैं नक्श पे पूरा शूट हुआ, ये तो आधा है ही नहीं, नहीं इसका हाफ डिफरेंट है, हाफ डिफरेंट है। मतलब हाफ प्लेन है और हाफ प्लेन है। अगर आपकी बीवियां देख रही हैं तो चेंज कर ले चैनल, बहुत महंगाई है। ये इतना मजेदार है तो उनको अच्छे लग जाएंगे, देखा लेके दे, बहुत खूबसूरत है, दिस इज वेरी नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, खूबसूरत लिबास आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे नक्श के पेज पे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, आप देख रहे हैं कौसुब हुमायूं हलीमा के साथ। बरी हो गई, अब खाना लग चुका है और धुरुम भुरुम हो रही है किचन में, हम किचन में चलते हैं, हम देखते हैं कि मैरिनेशन हो गई है, मैरिनेशन के बाद जो है ज़ैनब क्यों ऐसे देख रही हो? ज़ैनब को जाके देखते हैं कि ज़ैनब ने क्या बनाया। निम्रा आप चलोगे हमारे साथ, आपको कुछ बनाना आता है जी? आप जिस तरह शोर करके आई हो ना, मुझे लगता है आपको खाने का ही बहुत शौक है।
आपने एक ही लेनी है पोटी। अच्छा चलो जी आजा देखे क्या खाते हैं यार, मजेदार। आज मैं करूंगा ये। ठीक है आप ही करिएगा ये, इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था। आप ये पकड़े, आपने ऐड करना है, मैं ऑयल डाल देती हूँ। फिर मैंने क्या करना है? आपने अच्छा, okay, हाँ, हाँ, अच्छा जैनब मैरिनेशन में क्या क्या डाला है? अच्छा मैंने इसके अंदर जो है रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था, पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया था, सोया सॉस था और साथ में इसमें जो है लहसुन पाउडर गया है और प्याज का पाउडर जो है इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है मजे के होंगे। और इसको जो है हम हाफ कप अभी ऐड करेंगे ऑयल का और फिर थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा तो हम ये पीसेस इस पर रख देंगे। और मीनवाइल हम ये करते हैं कि हम जो है चिली सॉस, स्वीट चिली सॉस जो है वो बना लेते हैं। अब मैंने मैरिनेशन नहीं सुनी, सॉरी दोबारा बोलो। अच्छा मैरिनेशन में मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, ठीक है, लहसुन पाउडर, नमक, प्याज का पाउडर, पेपरिका पाउडर, सोया सॉस और लेमन जूस ये डाल के मैंने मैरिनेट कर दिया। और नमक किसका डाला आपने? मैंने ये मलका का ऐड किया है, हिमालयन सॉल्ट जो है वो 100% प्योर आप यूज करिए। पैकिंग आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे मलका के जो पिंक सॉल्ट है वो नजर आ रहा होगा, ये आपके पैकिंग देखकर इंतखाब करना है नमक का। मूविंग ऑन, आप ये पीसेस ऐड करें तो फिर मैं स्वीट चिली सॉस। अभी आवाज नहीं है ना शुरू वाली, आएगी तो सही आएगी, हो गया पैकिंग तो आएगी। ओए बल्ले बल्ले जी बल्ले बल्ले, मजेदार। ये क्या तरीका है यार, मेरी मर्जी, मामा ने नहीं सिखाया पीसेस कैसे ऐड करते। मैं कर दूं हाथ से? करियो ना, इससे करके दिखाओ ना, इससे करो, इससे करो ना, आप हाथ से कर लो, बस चार रखना यार। हाँ चार ही रखते हैं। और जैनब गुड़ुच करके ना रखो ना। हाँ देखो मैंने भी सही करके रखा है। ठीक है आप लोग सेट कर ले, तब तक मैं स्वीट चिली सॉस जो है वो बना लेती हूँ। अच्छा उसके लिए मुझे मजे की खुशबू है स्वीट चिली सॉस के लिए, मैंने हॉट सॉस जो है वो हाफ कप ले लिया। क्या हॉट सॉस जो है वो स्वीट चिली सॉस के लिए मैंने हाफ कप ले लिया, ठीक है, ठीक है। और उसके अंदर जो है 3 टेबल स्पून हनी ऐड कर दूंगी मैं। बहुत अच्छी खाने को मिलेगा? नहीं नहीं सिर्फ देखने का है। खाने का नहीं। एक खाने का चम्मच। अच्छा लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, ठीक है, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। और जो गार्लिक है उसको हमने चॉप कर लिया, फाइनली चॉप हो हुआ है वो ऐड कर देंगे। और साथ में हम मलका का पिंक हिमालयन सॉल्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सॉल्ट यूज़ करने से जो डाइजेस्ट होता है फूड वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, इसलिए ठीक है ये हाफ, ताकि आसानी से आपकी डाइजेशन भी हो जाए। ठीक है जी, ठीक है जी, आप इसको पलटाएं, ग्रिप तो कर, वो ग्रिप नहीं होगा प्रॉपर, आप छोड़ दो ना मैं कर रहा हूँ। थैंक यू। इकरार भाई जी हमारे साथ नारोवाल से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इकरार भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र यार, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया भाई, सलामत रहो, बहुत शुक्रिया। चिकन स्टेक की तरह, पर कहते क्या है इसे जैनब? स्वीट चिली चिकन। स्वीट चिली चिकन क्या कहते हैं इसे? स्वीट चिली चिकन। फंस गया इकरार भाई, फंस गया, आपकी आवाज कट रही है, भाग गया होगा वो यकीनन, हमारे साथ जो बात कर ले तो भाग जाता है। क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। मैंने कहा वो भाग ही गया, पता नहीं क्या। मैंने क्या कहा था? आते जिससे बात के भाग जाता है वो बंदा, भाग जाता है ये पता नहीं क्या थी। अच्छा ये जो आपने स्वाद दिखाया था अपना अर्जेंट फेशियल जो ये लाइबा का अर्जेंट फेशियल कॉस्मेटिक्स वालों का अर्जेंट फेशियल किट है ये सिर्फ जेंट्स के लिए या सिर्फ लेडीज के लिए?
ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए है, दोनों की स्किन के लिए बड़ा जबरदस्त है। अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो जरूर ऑर्डर करें, और फिर उसके बाद आपने इनके रिव्यूज भी हमारे साथ जरूर शेयर करने कि आपको कैसा लगा। ठीक है, ठीक है, अभी अभी साथ चला भी देते हैं, आप स्क्रीन पे देखते रहिए। और साथ में आपको बताऊं, इससे आपकी जो जिल्द है वो नरम मुलायम हो जाएगी, आपकी जिल्द खूबसूरत हो जाएगी, सफ़ेद भी होगी, तरताज़ा हो जाएगी। ज़रूर इस्तेमाल करें, और जो है पर अपने पहले जैसे हलीमा ने हमेशा का जो पैच टेस्ट कर लें और फिर लगाएं। इट्स अमेजिंग फॉर यू गाइज एंड द खुशबू इज़ सो गुड माशाल्लाह मलका के लिए। लाइबा कॉस्मेटिक्स, आपको ये अर्जेंट फेशियल कैसे मिलेगा ये आप लें। अभी आप स्क्रीन पर जो है स्क्रीन पर नंबर चलाते हैं, नंबर्स हमारी टीम चलाएगी, वहां से आप लोगों ने नंबर नोट कर लेना है और फिर जाके आप लोगों ने इसको ऑर्डर। और हम डेली आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और बताएंगे, इनकी बहुत लंबी प्रोडक्ट लाइन है, आप उनको जरा इस्तेमाल करें और अपनी स्किन को जो है ना वो सेहतमंद कर दें और बहुत अच्छी खुशबू। जैनब, बहुत सारे लोग जब इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो वो ये कंप्लेन करते हैं कि जी क्योंकि बहुत बड़ा साइज था तो शायद थोड़ी सी कचांद रह गई, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैरिनेशन ज़्यादा देर, और दूसरा ये कि लेमन जूस जैसे मैंने इसमें ऐड किया थ्रू टेबल स्पून, तो आप जो है अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से, क्योंकि हमने यहाँ पे थाई पीसेस ज़्यादा लिए हैं तो हम 4 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस डाले, आप वो डालते हैं या विनेगर ऐड करते हैं। स्पेशलिटी है तो मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ, याद आ गया। अगर इसमें आप बेकिंग पाउडर थोड़ा सा एक चुटकी डाल देंगे इट्स वेरी जूसी, बहुत जूसी हो जाता है। मैं बीफ वाले में डालता हूँ तो बहुत जूसी होता है। एक चुटकी बेकिंग पाउडर डाल दें, थोड़ी मोटी चुटकी हो, छोटी चुटकी ना हो, ठीक है। दूसरा इसकी सबसे मज़े की होती है कि मैं इसमें वो भी डालता हूँ, पार्सले डालता हूँ थोड़ा सा मैरिनेशन में, तो वो बड़ी मज़े की एसेंस आती है। अच्छा। तीसरी चीज़ जो मैं मज़ेदार करता हूँ वो इसमें ये है कि या तो ये अगर जो आंच है वो बहुत डिपेंड करता है, या तो सख्त हो जाएगा आपका स्टेक या आपका स्टेक कच्चा रह जाएगा, जैसे मैंने कहा है, तो आपको एक दरमियानी आंच रखनी है और आपने इस पे नजर रखनी है, आप इसको छोड़िएगा नहीं, वरना अगर बीफ होगा तो वो रबड़ की तरह सख्त हो जाएगा। वो रबड़ की तरह हो जाता है, वो भी डिपेंड करता है आपने बीफ कौन सा लिया है, कौन सा हिस्सा आपने लिया उस पर डिपेंड करता है कितनी देर आपने उसको रखना है। अगर अंडर कट है तो 5 मिनट से ज्यादा ना रखे वरना वो बबड़ बन जाएगा। चिकन भी जल्दी होता है, चिकन को पलटते रहिएगा ताकि वो सख्त ना हो जाए। यस, बिल्कुल ठीक आपने बताया। आप आदेश म्यूजिक, वाह वाह, तालियां तालियां। बनाती हो कुछ डिब्रा जी? बनाती हूं। क्या बनाते हो? लजानिया बनाती हूं, और ये भी मैंने एक दफा बनाया था। अच्छा, ये बनाया हुआ है, ये खातून ने बनाया हुआ है। और आपने ये भी मेक श्योर करना है, जैसे आप देखें इनका मसाला पक्का है, मसाले को सही फ्राई होने दिया तो मसाले को पकने देना है, वरना कच्चा कच्चा मसाला आपको ना मज़ेदार नहीं। मैंने ये स्टेक ऐड करने के बाद, जो ये थाई पीस है ये ऐड करने के बाद, जो सॉस बनाई थी वो ऊपर से जो है मैंने ग्लेज की है, ठीक है। अभी मैं डिश आउट भी कर लूँगी तो उसके बाद भी ये सॉस इसके ऊपर से मैं ग्लेज करूँगी ब्रश से, ठीक है। अच्छा, हाँ। आप छुरी कांटे लें, ये ले। और थाई पीस होता भी जो है ना वो थोड़ा जूसी होता है, नरम सा होता है, जो क्योंकि चेस्ट पीस जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो भाई हाय ज़ालिम औरत, ठीक है जी, अब हम बाकी पीसेस ऐड करते हैं तब ठीक है। ठीक है हसनैन भाई, कितने 20 का सो है वो क्या होता है, कितना अच्छा बना हुआ है। गरम भी बहुत है ना, 20 का सौ करते करते मुंह भी जला डर भी लग रहा है इसको खाते हुए। मैं खुद खा के टेस्ट करूंगी। यार निम्रा आप ही खाओ ना, मैं उनको तोड़ के दे खाऊंगी। मैं तोड़ के दूंगा, मैंने आपको चेंज ये ले, आपको दे लें। बहुत मजे का स्पाइसी भी है, मजेदार और मजेदार वाला स्पाइसी है, लेकिन अच्छा है, स्वीट चिली स्पाइस। ओए होए होए होए, जालिम बनाया। लेकिन जिस मकदार में आप डाल रहे थे ना चिली, सोची थी ज्यादा हो जाएगा। आप जो बनाती हो ज्यादा मजे का, ये ज्यादा मजे का, ये बेटर भी है आपको, बहुत ज्यादा मजे का। मेरा ख्याल मुझे समझ नहीं आया, बहुत ज्यादा मुझे नहीं समझ आ रहा, एक सेकंड। आपको 2 पीस खा के भी समझ नहीं आएगा, ये पता लग जाता है कि कितनी चीज कौन सी अच्छी लगी, अच्छी लगती है। स्वाद बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू यार, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। समझ आ रहा तुम्हें?
मुझे लग रहा है मुश्किल लग रहा है मुझे हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश, यार बहुत मजेदार है, यू शुड ट्राई एट होम, मेहमान वाह वाह करते जाएंगे, देखते रहिए एक और शो हुमायूं और हलीमा के साथ। After the break, बहुत मुश्किल है कि काम करना अगर एक शेफ़ के लिए ये काम करना, हलीमा ने कभी कुछ नहीं किया, आप देखें कि कैसे मैरिनेशन को मैं कर रहा हूँ। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है निब्रा कि आपने ब्रश को ऐसे पकड़ना है, तीन उंगलियाँ ऐसे, एक आपकी बेशक बाहर हो, ठीक नहीं इस तरह नहीं हो रहा तो ये आपने जिस तरह कम्फर्टेबल हो वैसे ही पकड़ा, आप कोई ज़रूरी नहीं है अच्छा लगेगा। अच्छा जी ये लीजिए आप रखिएगा ये तीनों पीस, ये आप रखो वो रेसिपी बता देगी, मैं रेसिपी बता देती हूँ स्वीट चिली चिकन की। यहाँ पे जो है चिकन के जो मैरिनेशन है उसके लिए जो अज्जा चाहिए, चिकन थाई मैंने 8 पीस ले लिए थे, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने का चम्मच, लहसुन पाउडर जो है मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच ऐड किया है, नमक 1 चाय का चम्मच, प्याज का पाउडर 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, लेमन जूस 2 चाय के चम्मच और तेल फ्राई करने के लिए 1/2 कप इसमें ऐड किया है, ठीक है जी। इसको हटा लीजिएगा और जो स्वीट चिली सॉस के अज्जा हैं उसमें मैंने शहद 3 खाने के चम्मच ऐड किए हैं, धड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच, लहसुन के जवे चॉप किए हुए 3 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, हॉट सॉस 1/2 कप जो है मैंने यूज़ किया है और इसकी मैरिनेशन आप बना के ओवरनाइट भी रख सकते हैं और आप 1 घंटा पहले अगर बनाने से पहले भी मैरिनेट करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। थाई पीसेस से ये बनाइएगा क्योंकि ये जूसी टेंडर बहुत ज़्यादा होगा, अगर आप बोनलेस चिकन चेस्ट वाला हिस्सा लेते हैं तो वो फिर थोड़ा सा जो है ड्राई उसमें आएगा, उस तरह से जूसी नहीं होगा, तो ये आप बर्गर्स में भी यूज़ कर सकते हैं और इसी के पीसेस को आप छोटा छोटा जो है वो कट करके आप सैंडविच बना सकते हैं, आप मैक्रोनी पास्ता में यूज कर सकते हैं, सॉस कोई सी भी बना के, वाइट सॉस चीज डाल के बर्गर जी, तो ये बहुत सी जगहों पे बर्गर बनाती हूं, चीज अच्छी पसंद है, डबल चीज सिंगल चीज नहीं, मामा डांटती हैं वैसे, कहती हैं कि चीज ना डालो, क्यों अनहेल्दी होता है, नहीं इतना अनहेल्दी नहीं होता, आप फैट ले सकते हैं, इतना नहीं होता उसकी भी मिकदार होती है यार, ओके सही कह रही हो, थैंक यू सो मच जैनब, थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए, मैंने बहुत अच्छा किया है वैसे, अगर आप लोग देखें, अगर आप इस पे कैमरा डाल रहे असद भाई डाल रहे डालें कैमरा भी सॉस के साथ साथ आपने इसके ऊपर डाल दिया ना, बहुत बहुत शुक्रिया, ये देखिए कैमरा डल गया इसके अंदर और ओए होए ओह सो सॉरी माजरत के साथ मैंने बनाया ये कैमरे में मैं आ रहा हूँ, ये क्या मैंने खूबसूरत बनाया, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे डिशेस को पसंद करते हैं, मलका का शुक्रिया, मलका उन्होंने ताबुन किया आपके साथ, सारे जो है इंग्रेडिएंट्स जो है हमने मलका के इस्तेमाल किए हैं, मुझे साल्ट दिखाओ यार साल्ट, ये लें जी साल्ट, ये देखिए मलका का सॉल्ट जो है पिंक सॉल्ट जो है वो हिमालय के पहाड़ों से निकला हुआ ये पिंक सॉल्ट, और आपको बताएं कि ये बहुत ज़्यादा इट इज़ हेल्दी बिकॉज ये जैसे हमने आपको पहले बताया और जितने भी एडिटिव्स हैं उससे ये फ्री है, प्रिजर्वेटिव से जो है वो फ्री है और ये एक्सट्रैक्ट हुआ है खेवरा सॉल्ट माइन से, पाकिस्तान में यही तो खूबसूरती है कि हमारे पास फिट नमक और वहाँ से डायरेक्ट आ रहा है, तो आपने ये इस्तेमाल करना है ताकि आपको हजम भी खाना अच्छे तरीके से हो और मलका का ये नमक आप अपने घर में अपने शेल्फ पे से रख सकते हैं। चले ठीक है जैनब, थैंक यू सो मच, आपकी कल की छुट्टी हम माफ करते हैं क्योंकि आपने आज बहुत अच्छा खाना बनाया बहुत अच्छा और हम वापस अपनी निश्चित अगर आप चाहते हैं कि इसको दोबारा टेस्ट किया जाए नहीं समझ आ रही अगर आपको नहीं समझ आ रही हमें आ रही है बिल्कुल समझ आ जैनब पर मैंने बनाया बड़ा फिट है जी बहुत अच्छा बहुत थैंक यू यू आर वेलकम जी। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको हम कोई तोहफे तहाइफ ना दें, आपको अच्छे खासे इनामात जो है वो आपको देंगे, आपको सबसे पहले ताकि हम लोग तस्वीरों को तो वाइटल टी की जानिब से वाइटल टी की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर, वाइटल पियो जिंदगी जियो, आप वाइटल को पिए
और आज पिलाने का आपको मकसद भी यही था कि आपने घर जाके बनाना है बिकॉज़ इट्स वेरी हेल्दी, इट्स वेरी बेनिफिशियल। मैं चाय लवर हूं। ओहो, बस देख ले, हमने सोच लिया आपको चाय लवर है तो वाइटल पियो, जिंदगी जियो। ये लीजिए पहला तोहफा आपके लिए। दूसरा, मलका कैसे पीछे रह सकता है, मलका ने भी आपको जो है वो गिफ्ट हैम्पर भेजा है। ये मलका की तरफ से, इसके अंदर जो है मलका के मसाले मौजूद हैं, मलका का पिंक सॉल्ट मौजूद है जो डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, और इसके अंदर मलका की ही सेवैयां भी मौजूद हैं। आपने शीर खुरमा भी बनाना है, आप बना लेंगे शीर खुरमा? जी जी, या बनवा लूंगी, बनवा लेंगे। ये लीजिए, और ऐसे कैसे हो सकता है कि लाइबा कॉस्मेटिक्स आपको कुछ ना दे, तो लाइबा कॉस्मेटिक की जानिब से आपको भी ये एक खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप खाना बना के जब आपकी स्किन जो है वो थोड़ी डिहाइड्रेट फील करे तो आप ये कॉस्मेटिक के जो जितनी भी ये चीजें हैं ये लगाएं अपनी स्किन पे, और उसके बाद आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छा फील करने लग जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप यार आज आप कितने खुश होगे ना, आपने कितने गिफ्ट दिए आपको, बड़ा मजा आता है जब घर जाओ ना तो सब वो आपको कहते हैं कि ये देखो ये मेरे गिफ्ट हैम्पर्स लेकर आई हूँ। आपकी जब बात की जाए डिजाइनिंग की तो हलीमा ने एक बड़ा प्यारा शुरू में सवाल पूछती होती थी, मैं आज आपसे वो पूछूंगा, वो ये है कि अक्सर जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो करीब वाले घर वाले होते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें दे दें या पहनने के लिए दे दें। हाउ पेनफुल इज दैट, ये बड़ा बुरा होता है कि किसी की मेहनत को आप कहे कि ऐसे दे दो। मेरी माँ ने ये मुझे हमेशा कहा कि बेटा अपना टैलेंट फ्री कभी भी ना बेचो। मैं जिससे भी कोई एडवर्टाइजिंग कराता है हलीमा, पता है आई चार्ज देम बिकॉज आई डोंट डू इट लाइक फॉर फ्री। सो आप क्या कहोगे इस बारे में? मेरे ख्याल से कि आपको अपनी टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपने इतना टाइम लगाया है तो वो सब वेस्ट तो नहीं होना चाहिए किसी को। बिल्कुल। फैमिली में हुआ कभी किसी ने कहा? जी हुआ था। तो क्या जवाब दिया? मैं डिस्काउंट दे देती हूँ, लाइक फ्री नहीं देती तो डिस्काउंट दे देती हूँ, थोड़ा सा तो मार्जिन रहे ना, ताकि मेरी बिल्कुल भी मेहनत ज़ाया ना हो और थोड़ा भरम भी रह जाए। क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो तो फिर आप अपने पल्ले से नहीं दे सकते ना, आपने वो तो पूरी करनी ही करनी होती है। और लोग ज्यादातर स्टार्टिंग में कहते थे कि, और स्टार्टिंग में तो बहुत गलत बात है ना कि आप अभी इस फील्ड में आ रहे हो, अभी बिजनेस अपना एस्टैब्लिश कर रहे हो, आपको सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना, मुझसे खरीदे आप। हाँ, निम्रा, आजकल साइज ऑफ द शर्ट क्या है और क्या शलवारें चल रही है, ट्राउजर चल रहे हैं, ये ट्रेंड हमें बता दे ताकि हमारे चाहने वालों को पता चले कि आजकल क्या ट्रेंड है। ये भी डिपेंड कर रहा है जिसकी जो मर्जी वो बना रहे। हाँ, आजकल वैसे बहुत चल रहे हैं जो बलून शलवार होती है, बट मतलब बड़े पांचों वाले, बड़े जिस तरह बड़े पांचे होते हैं लेकिन वो ऊपर पटियाला की तरह होती है, ठीक है, शॉर्ट शर्ट के साथ, वो बहुत वो अब आ गई है दोबारा। और लॉन्ग शर्ट्स और कोर्ड सेट्स तो बस उस पे पागल है सब, वो बहुत ज्यादा ले। अच्छा निम्रा, जाते जाते आपने बताना है कि शादियों का सीजन भी, जैसी सर्दियां आएंगी शादियां भी होना शुरू हो जाएंगी, और ये जो हमारे हुनमत वाले महीने ये भी जैसे ही खत्म होंगे तो शादियों का सीजन आ जाएगा। जिनकी शादियां आ रही हैं या आने वाली हैं, एंड ऑफ दिसंबर में है, जनवरी में है, कौन से कलर्स लें और कौन सा मटेरियल लें, ताकि क्योंकि जितनी गर्मी पड़ी है उतनी मुझे अब डर लग रहा है कि सर्दी भी बहुत उसी हिसाब से ज़्यादा पड़ेगी। तो कौन सा मटेरियल लें और कौन से कलर्स लें? शादियों में, सर्दियों में वैसे सर्दी लगती नहीं है क्योंकि आपके ऊपर एम्ब्रॉय काम इतना ज़्यादा हुआ होता है, लाइक दबके का काम, कट दाना, और वो कवर कर लेता है, तो शादियों में इतना वो मसला नहीं होता। लेकिन वेलवेट ज्यादातर, वेलवेट की अच्छी साड़ियां सेफ ऑप्शन, वेलवेट उठा ले। बहुत शुक्रिया निम्रा, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और सबसे पहले ज्यादातर शुक्रिया हम अदा करेंगे लाइबा कॉस्मेटिक्स का, वाइटल टी का, मलका के मसालों का, जिन्होंने हमारे शो को स्पॉन्सर किया और इतने खूबसूरत प्रोडक्ट्स हमें दिए, और ना कि सिर्फ हमें दिए बल्कि हमारे गेस्ट को भी वो गिफ्ट हैम्पर्स दिए। जैनब, आपका हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन आपने मलका के मसालों से आज बेहतरीन स्वीट फूड चिली चिकन बनाया। Am I right? Very good. So, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। आपने इस बार वीकेंड पे काम करना है, अपने घर वालों के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। आप यकीन माने सबसे ज्यादा फ्रूटफुल वक्त वही होता है जो अपने घर वालों के साथ गुजारते हो, वो आपको धोखा नहीं देंगे, बाहर वाले धोखा दे सकते। हुमायूं और हलीमा जा रहे हैं अपने घर वालों के पास, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।